ओके तो जैसे मैंने कल बताया था तुम लोगों को कि जो भी हमारे 11th 12th में नेसेसरी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट जब भी न्यूमेरिकल में थियरी में जब भी यूज आए उसका तो तुम्हें समझ में आए। ओके जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड देखा, देन हमने एक्सेलरेशन कल देखा, उसके डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स देखे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, जो ग्राफ किसका था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन के भी अलग अलग टाइप देखे जिसमें मूवमेंट इन नेगेटिव डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आगे आना हो तो आ जाओ, थोड़ा फैन चलेगा वो। तो लाइक दैट हमने कल एक्सेलरेशन डिस्कस किया था। ओके और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी हमने डिस्कस किया था। देन उसके बाद जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्कस किया था उसके बाद एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, वो न्यूमेरिकल में भी डिफरेंशिएशन आया था, तो वैसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बेस के भी न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे आगे के जो चैप्टर्स है। ओके और पूरे फिजिक्स में तुम्हें ये चीज़ देखने को मिलती ही रहेगी। क्या दो चीज़ें, तीन चीज़ें एक्चुअली, एक तो वेक्टर, दूसरा डिफरेंशिएशन और तीसरा इंटीग्रेशन। वेक्टर हम बहुत कुछ डिस्कस कर ही चुके हैं। ओके इट शोज द डायरेक्शन, फिर वेक्टर का एडिशन और वो कैसे करता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो भी हमने देखा हुआ है और थोड़ा बहुत आगे भी आएगा। ओके जब हम एडिशन करेंगे वेक्टर का एडिशन वो भी हम देखेंगे, अलग अलग न्यूमेरिकल में जब भी यूज होगा तब हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा क्लास पर्टिकुलरली है डिफरेंशिएशन के लिए। ओके सो आई हैव मेड नोट्स आल्सो फॉर डिफरेंशिएशन, तो फॉर्मूला बताओ, उससे पहले समझाता हूँ कि डिफरेंशिएशन है क्या। जितना ज़रूरी है फिजिक्स के लिए उतना डिस्कस करेंगे। ओके मैथ्स में और डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, बट अभी हमारा फिजिक्स 11th का भी और 12th का भी उसमें जो इम्पोर्टेंट है और इवन केमिस्ट्री ऑल्सो, उसमें जो डिफरेंशिएशन आता है वो पार्ट हम डिस्कस करेंगे। अरे इतना डिस्कस करेंगे कि उतना मैथ्स में भी इनफ ही है, लेकिन मैथ्स में और डिटेल में सब कुछ आएगा। ओके चलो सो सबसे पहले तो ये डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट है वो आया कहाँ से। ओके तो जैसे कि ये है मेरी y एक्सिस, ये है मेरी x एक्सिस, एंड इफ सम ग्राफ इज देयर लाइक दिस, ओके और वो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है कितना थीटा, तो डिफरेंशिएशन जो हम dy by dx बोलते हैं, dy by dx मतलब कोई फंक्शन है मेरा y कोई फंक्शन है, ओके जिसको हम f of x भी बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x, जैसे हमने मैथ्स में देखा है फंक्शंस। ओके सो y को डिनोट करते हैं, y इज अ फंक्शन इन x, y इज अ फंक्शन इन x मतलब क्या, जो हम मैथ्स में अभी तक पढ़ चुके थे, जैसे कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया हो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसा इक्वेशन देखते थे ना हम, तो ये x है वेरिएबल क्या है x, दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि भाई t स्क्वायर प्लस t, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, y इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, नॉट x बट t, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन है, t वेरिएबल है, डन। तो y हमारा फंक्शन है, हमने y वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ किया, एंगल बना रहा है थीटा। ओके तो dy by dx क्या है, dy by dx मतलब जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं d by dx से, मतलब फंक्शन y को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा y नीचे जिसके रिस्पेक्ट में, देखो क्या कैसे लिखते हैं, जैसे कि हमने ऐसा लिखा dy by dx, तो ये क्या है, हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि फंक्शन टू बी डिफरेंशिएटेड, जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो उसको यहां पर लिखना है, और ये क्या है, डिफरेंशिएशन द
विथ रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है x, ओके तो dy by dx जो हम लिखते हैं इट इज नथिंग बट अ स्लोप ऑफ पर्टिकुलर ग्राफ, और से पर्टिकुलर ग्राफ ही बोलेंगे क्योंकि वो ग्राफ लाइन भी हो सकता है, वो ग्राफ कर्व भी हो सकता है, ओके सो y वर्सेस x का ग्राफ है, उसमें ये ग्राफ का जो स्लोप निकालेंगे हम वही है हमारा dy by dx, ये बात माइंड में फिट कर लो, जो स्लोप है वही है क्या dy by dx, जो स्लोप है ग्राफ का जो स्लोप है वही क्या है dy by dx, मतलब डिफरेंशिएशन। अच्छा, स्लोप को और एक तरीके से डिफाइंड करते हैं, जैसे कि स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, कैसे डिफाइंड करते हैं स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, क्यों tan थीटा, क्योंकि कोई भी पॉइंट पर हम उसका टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट पर हम उसका क्या ड्रॉ कर सकते हैं टेंजेंट, मतलब हम अगर ड्रॉ करेंगे ये लिखते रहना क्योंकि मैं वापस वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जैसे डैक नहीं जा पाऊंगा तो मुझे रबी करना पड़ेगा, ओके सो टेंजेंट जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, टेंजेंट कोई पॉइंट पर टेंजेंट एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ वही हमारा स्लोप है, तो टेंजेंट एंगल बना रहा है मतलब उसको हमने बोल दिया टेन थीटा, और यही क्या है हमारा स्लोप, और ये स्लोप ही क्या है हमारा डी वाई बाय डीएक्स, डन। तो कोई भी पॉइंट पर हम अगर डी वाई बाय डीएक्स निकाल ले या टेन थीटा निकाल ले तो वो हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन। टेन थीटा कैसे निकालते थे ट्रिग्नोमेट्री में, हम टेंथ में पढ़े थे, टेन थीटा कैसे निकालते थे ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज नहीं वो तो साइन थीटा हो गया, ओके सो ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड वही टेन थीटा था, ओके और इन अदर वर्ड्स हम ऐसा भी बोलते थे क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद है टेन थीटा इज इक्वल, तो वही कंसेप्ट यहाँ लगाना है। अभी ऐसा मेरा कोई ग्राफ है इसका मुझे स्लोप फाइंड करना है, तो ये यहाँ पर थीटा बना रहा है, यहाँ पर मैं कोई एक पॉइंट लूँ तो वो भी एक लाइन बना रहा है, और ये दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, यहाँ पर कोई पॉइंट लूँ और वो यहाँ पे लाइन बना रहा है, तो अगर तुम मेजर भी करोगे यहाँ प्रोटेक्टर रखकर मेजर भी करोगे तो ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये है, उतना ही एंगल ये है, ये लाइन पर कोई भी पॉइंट पर तुम एंगल फाइंड करोगे हॉरिजॉन्टल के साथ तो वो सारे एंगल क्या आएंगे सेम आएंगे कॉन्स्टेंट आएंगे, देन समझ में आ रहा है, ये कंसेप्ट समझा रहा हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये सब तुम ना पता होगा तो भी चलेगा लेकिन कंसेप्ट समझना इम्पोर्टेंट है, ओके दैट्स व्हाई, अदरवाइज तुम फॉर्मूला याद रख लोगे और डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो समझ लोगे, फॉर्मूला याद है और वो फॉर्मूला कैसे आया वो समझ लोगे तो खत्म हो जाएगी न्यूमेरिकल, लेकिन थोड़ा तो बेसिक हम समझ लेंगे ना कंसेप्ट, ओके सिर्फ रट्टा तो नहीं मारना है, डन। तो ये हो गया, ये सब रखो थोड़ा फ्री करते हैं, हाँ सो ये सारा थीटा क्या हो गया कॉन्स्टेंट, ओके अभी ये तो स्ट्रेट लाइन थी तो थीटा कॉन्स्टेंट है, लेकिन सपोज मेरा ये y बाय x का ग्राफ ऐसा है कर्व, यहां पे स्लोप फाइंड करना हो तो फिर से मैं स्लोप मतलब क्या टेंजेंट फाइंड करूंगा और वो जो थीटा बनाएगा वो, सपोज मुझे यहां फाइंड करना है तो मैं इस पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट बनाऊंगा और ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा वो होगा मेरा क्या स्लोप एट दैट पॉइंट, ओके फिर सपोज ये पॉइंट पर मुझे फाइंड करना है तो मैं ये पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा ये, ओके वो क्या हो जाएगा उसका स्लोप, तो यहां पर तो स्लोप चेंज हो रहा है, ये एंगल देखो छोटा सा है ये एंगल बड़ा है, अभी कोई एक पॉइंट ले लूं से यहां वाला पॉइंट ले रहा हूं तो यहां पर टेंजेंट ऐसा होगा ऐसा ऐसा होगा तो ये एंगल वापस कुछ और आ रहा है, सारे एंगल्स अलग अलग है ना, ये थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री यहां पर सारे एंगल क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं लेकिन यहां पर क्या आ रहा है वेरिएबल थीटा आ रहा है, समझ में आया dy by dx जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो क्या है स्लोप, स्लोप को हम कैसे डिफाइंड करते हैं tan थीटा से, डन।
सो स्लोप तो है, थीटा तो है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट थीटा है, स्लोप कांस्टेंट रह रहा है, और यहाँ पर स्लोप क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल है तो फिर कैसे करे? यहाँ पर तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल हो तो कैसे करे? और यहाँ से ही जन्म होता है इसका डिफरेंशिएशन का। ओके, कि भाई स्लोप निकालना है सिर्फ तुम्हें, तो स्लोप तो यहाँ से हम निकाल लेंगे डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ पर भी स्लोप निकाल लेंगे, जो पॉइंट पर फाइंड करना हो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल बनाए दैट इज थीटा, और उसका टेन थीटा निकाल लो तो वही स्लोप है। तो मिल गया स्लोप, कोई भी पॉइंट पर हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तो कोई भी पॉइंट पर तुम फाइंड करो सेम ही आएगा टेन थीटा और थीटा, लेकिन यहाँ पर सारे पॉइंट पर क्या आएगा? डिफरेंट डिफरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि ये कर्व है, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है। देन तो स्लोप, ये ग्राफ का स्लोप हमें अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग मिलेगा। तो फिर समझे क्या, समझे क्या हम कि भाई एक्चुअली डीवाई बाई डी एक्स है क्या, और एक्चुअली स्लोप क्या है? तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो स्लोप है क्या? फिर हमें तो पता नहीं चलेगा वेरिएबल का। वेरिएबल है मतलब क्या? स्लोप चेंज हो रहा है। वेरिएबल मतलब जो वेरी करे, वेरी करे मतलब यहाँ पे एक ही स्लोप है तो कोई बोल देगा कि वाई बाई एक्स का ग्राफ है उसका स्लोप क्या है, तुम वैल्यू बोल दोगे कि भाई उसका ग्राफ की वैल्यू है 10, तो बोल दिया। यहाँ पर वाई बाई एक्स का ग्राफ है उसका स्लोप क्या है, बोलेंगे तो हर पॉइंट पे अलग अलग स्लोप मिलेगा। ओके, तो उसकी वैल्यू तो 10 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, क्या क्या हो सकता है, तो उसका कैसे फाइंड करे डीवाई बाई डी एक्स? डन, इतना तो समझ में आया, ये कांस्टेंट है और ये क्या है? ओके, अब कांस्टेंट वाला केस लेते हैं कि फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करें, इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, अभी फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? टेन थीटा निकाल लेंगे तो ऑपोजिट एडजेसेंट, लेकिन यहाँ पर तो सर ट्राइंगल ही नहीं है, क्या ऑपोजिट और क्या एडजेसेंट, तो हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ओके, तो बनाते हैं, चलो तो फिर से वही सेम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। वाई एक्स, और ये हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, इसका स्लोप निकाल लो तो स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली जो कांस्टेंट है। ओके, कैसे निकाले? सपोज ये एंगल मेरा है, क्या है? थीटा। तो इसका स्लोप तो कांस्टेंट है, कोई भी पॉइंट पे फाइंड करो चलेगा। अच्छा, मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ पॉइंट नंबर 1 और कोई पॉइंट ले लेता हूँ पॉइंट नंबर 2। डन, ये जो पॉइंट 1 है उसके कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टेंथ में पढ़े थे हम, उसके कोऑर्डिनेट होंगे कि भाई एक्स है वाई है तो एक्स में कितना वाई में कितना। तो इसका मैंने नाम दे दिया क्या, मतलब पॉइंट डिनोट कर दिए x1, y1। एक्स वन क्या है, यहाँ से ऐसे नीचे आओ, ये जो पॉइंट है वो क्या है मेरा x1, और यहाँ से ऐसे आओ तो ये जो पॉइंट है मेरा क्या है y। देन उसी को वैसे ही मैंने यहाँ पर नाम दे दिया x2, y2। तो यहाँ से ऐसे जो नीचे आओगे यहाँ जो मिलेगा वो क्या है x2, और यहाँ जो मिलेगा वो क्या है y। देन समझ में आ गया, यहां से अब मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल देखो, ये हो गया मेरा हाइपोटेनियस, ये हो गया मेरी स्ट्रेट लाइन, और ये हो गई मेरी परपेंडिकुलर, ये वाला ट्रायंगल आया समझ। ये थीटा है तो ये भी कौन सा है? थीटा ही। अब ये ट्रायंगल को मैं थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ तो तुम्हें अच्छे से समझ में आए। ये मेरा हो गया क्या? थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है? इसके ऑपोजिट क्या है? ये है। ये क्या है? तो देखो, यहां से लेकर के यहां तक का जो लेवल है वो क्या है? वाई टू है। यहां से लेकर के ये नीचे तक का जो लेवल है वो डिस्टेंस कितना है? वाई टू। यहां से ये पूरी एक्सिस वाई है, लेकिन ये कितना है? वाई टू है। अंडरस्टूड? ये पॉइंट जो है यहां तक का डिस्टेंस कितना है? वाई वन नहीं, इतना ये पूरा लिया था, अब मैं इतना ले रहा हूं। ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? वाई टू। ये डिस्टेंस है वो कितना है? वाई वन। देन वैसे ही यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां तक का
ये डिस्टेंस कितना है, तो ये तो एक्स एक्सिस है पूरी, ओके ये पूरी एक्स एक्सिस है, लेकिन इतना डिस्टेंस कितना है, ये एक्स वन जीरो से एक्स वन, तो ये कितना है एक्स वन, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है एक्स टू, तो मुझे ये डिस्टेंस पता करना हो ये, तो वो क्या होगा y2, उसमें से y1 निकाल दो, तो ये कितना हो गया y2 माइनस y1 हो गया, समझ में आया। और मुझे ये बेस निकालना हो तो ये क्या है पूरा x2 है, उसमें से x1 निकाल दिया तो ये क्या हो गया x2 माइनस x1, तो वो यहां लिख देता हूं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अभी मैं निकालू tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट, तो ऑपोजिट है मेरा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, कोऑर्डिनेट मेरे पास होंगे x1 y1 x2 y2, वो वैल्यू मैं पुट करूंगा तो मुझे मिल गया क्या मेरा स्लोप, यही क्या है मेरा स्लोप। और जनरली स्लोप को m से डिनोट करते हैं, किससे m से, मिल जाएगा स्लोप, खत्म, समझ रहे हैं। यहां पे मेरी कोई भी वैल्यू होगी कि भाई ये पॉइंट है मेरा 3.3 मान लो, ओके ये पॉइंट है मेरा क्या 3.3 और ये पॉइंट है मेरा 7.7, तो y2 माइनस y1 तो 7 माइनस 3 तो ऊपर क्या आएगा 4, एंड डिवाइड बाय x2 माइनस x1 तो अगेन 7 माइनस 3 तो नीचे भी क्या आएगा 4, मतलब क्या आया 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1, मतलब मेरा स्लोप क्या है 1, tan थीटा 1 है तो थीटा क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री ऐड करो 45 1 होता था, तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री, तो एंगल फाइंड करना हो तो तुम एंगल भी फाइंड कर सकते हो बाद में, लेकिन हमारा स्लोप क्या है tan थीटा, समझ में आ गया कैसे फाइंड करेंगे। इससे पहले तो हमने सिर्फ समझा कि स्लोप कांस्टेंट है और वो कर्व का वेरिएबल है, इसका तो फाइंड कर लिया क्या डायरेक्टली मिल गया tan थीटा, स्लोप मिल गया, डन, यहां कोई डाउट। अब हम जाते हैं किसमें, वो वेरिएबल वाले में, उसमें भी हमें स्लोप फाइंड करना है, इसका कैसे फाइंड करते हैं समझ में आ गया, ओके चलो वेरिएबल में जाते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे नहीं तो कैसे फाइंड करेंगे, यस गिवन होंगे, अच्छा चलो अब हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है ऐसे कर्व, ओके अब वापस मुझे स्लोप फाइंड करना है, वापस मुझे क्या फाइंड करना है स्लोप फाइंड करना, तो यहां तो हमने पहले ही देख लिया कि यहां पर तो क्या है वेरिएबल स्लोप है, स्लोप क्या है वेरिएबल, कोई एक वैल्यू मिलेगी नहीं, कोई एक वैल्यू नहीं मिलेगी तो फिर बहुत सारी वैल्यू मिलेगी, चलो बहुत सारी वैल्यू भी फाइंड ही नहीं कर सकते, बहुत सारी वैल्यू मिलेगी लेकिन बहुत सारी वैल्यू भी फाइंड नहीं कर सकते, अगर ऐसे जैसे अभी इसके पहले वाले केस में जैसे हमने दो पॉइंट लिए थे वैसे ही दो पॉइंट ले लो तो तुम फाइंड नहीं कर सकते, जैसे कि मैं बोल दूँ ये मेरा पॉइंट है वन, ये मेरा पॉइंट है टू, ऐसे ही पॉइंट लिया था, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन, इसके कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई, ओके तो अब मुझे क्या ड्रॉ करना है ट्राइंगल लेना है, तो यहाँ पर तो ये मेरा बन जाएगा क्या वाई टू माइनस वाई वन, और ये मेरा बन जाएगा क्या x2 माइनस x1, लेकिन यहाँ पर जो हाइपोटेनियस था लास्ट केस में वो स्ट्रेट लाइन था भाई, ये क्या था स्ट्रेट लाइन था, ये क्या था टेंजेंट था और स्ट्रेट लाइन था, टेंजेंट तो स्ट्रेट लाइन ही होगी ना, ओके टेंजेंट था लेकिन यहाँ पर तो क्या है कर्व है, तो यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ पॉइंट वन पर, तो ये पॉइंट वन पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो पॉइंट वन पर टेंजेंट ड्रॉ किया, वो पॉइंट टू को तो टेंजेंट है ही नहीं, पॉइंट टू को टेंजेंट है ही नहीं, और अगर मैं पॉइंट टू को टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो पॉइंट वन को टेंजेंट नहीं है, लास्ट केस में तो क्या था पॉइंट वन और टू दोनों को जो टेंजेंट एक लाइन थी उसका स्लोप हमने निकाल लिया, उसका एंगल निकाल लिया टेन थीटा, अभी मैं किसका निकालू, इसका अलग टेन थीटा आएगा, इसका अलग टेन थीटा आएगा, ये लू या ये लू दोनों पॉइंट के थीटा तो अलग अलग है, तो हम फाइंड कर सकते नहीं, यहां पे जन्म होता है डिफरेंशिएशन का, कैसे
अगेन जो हमने थोड़ा बहुत इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन में डिस्कस कर लिया है वो कि भाई ये तो इसका इसका जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो ये है, उसका थीटा अलग है थीटा वन, और इसका मान लो थीटा टू, इसका टेंजेंट ड्रॉ किया वो अलग है। तो यहाँ पर तो हमें कर्व मिल रहा है और टेंजेंट एक ही होना चाहिए, दो दो टेंजेंट होंगे तो हम स्लोप किसका गिनेंगे, एक होगा तो ही हम बोलेंगे ना कि ये ग्राफ का स्लोप इतना है। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है, दो दो स्लोप हो नहीं, मतलब दो दो स्लोप हम कैसे फाइंड करें। तो अगर हमें स्लोप ही फाइंड करना है, तो स्लोप फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ये वन और टू पॉइंट को नजदीक लेके आ जाएंगे, ये जो इतने दूर है ना उसमें से हम क्या करेंगे, उनको नजदीक लेके आएंगे, क्या करेंगे नजदीक लेके आएंगे, नजदीक लेके आएंगे तो क्या होगा, उनका टेंजेंट दो में से एक हो जाएगा। जैसे कि ये मेरा पॉइंट है, इतने नजदीक ले आओ वन और टू को, इतने नजदीक ले आओ कि एक मैं एक पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ करूं वन का, तो वो दूसरे का भी टेंजेंट हो जाए। जैसे कि ये मेरा वन पॉइंट तो यहीं पे है, ओके, अब टू पॉइंट यहां पर नहीं है, तो टू पॉइंट कहां पर है, मेरा टू पॉइंट सपोज यहीं पर है, थोड़ा अलग है, तुम्हें लगेगा वन और टू सेम है लेकिन थोड़ा अलग है, ये मेरा वन और ये मेरा टू, ओके। अब मैं अगर मैं वन को टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो वो टू को भी टेंजेंट है, जो वन को मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया वो टू को भी टेंजेंट है। लेकिन ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब वन और टू बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, बहुत ज्यादा क्लोज हो, मतलब जैसे कि वन के कोऑर्डिनेट्स है सपोज 2.2, तो टू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पता है, 2.05, 2.05, मतलब यहां से सिर्फ 0.5x में आ गए और 0.05y में आ गए, उतना या इससे भी छोटा, कैसे 2.001, 2.001। अब देखो 2.001 ये x और y है, और इसका x और y क्या है, 2 और 2, इतने नजदीक, समझ में आ रहा है कितने नजदीक है वो। तो हम बोले सर ये तो 2 ही है, 2 नहीं है, 2.001 है और ये कितना है 2। अगर इसको ही ये 3 डेसिमल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 2.000, 2.000 और ये 2.001 और 2.001 इतने नजदीक है, समझ में आया पक्का श्योर। अगर इतने नजदीक ले आए तो अगर मैं एक पॉइंट को टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो दूसरे को भी टेंजेंट होगा ही, और अगर नहीं है तो और नजदीक लाओ। अगर तुम बहुत दूर हो, ओके, सपोज तुम्हारा दूसरा पॉइंट यहां पर है, यहां पर ले आए, सर अभी भी अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो भी वो दो एक ही टेंजेंट दोनों पॉइंट को टच नहीं कर रहा है, तो और क्लोज जाओ, और क्लोज जाओ, इतने क्लोज जाओ तब जब तक एक ही टेंजेंट दोनों पॉइंट का टेंजेंट ना हो जाए, समझ गया। हाँ मैथ्स में करेक्ट, मैथ्स में हम पढ़ते हैं कि एक पॉइंट पर से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकता है, लेकिन मैथ्स में हम ये कंसेप्ट अभी नहीं पढ़े ना डिफरेंशिएशन, वो तो अभी पढ़ेंगे, वो तो टेंथ तक जो हमने पढ़ा है मैथ्स उसमें ऐसा आया था ना कि एक पॉइंट का एक ही टेंजेंट हो सकता है, तो बात गलत नहीं है, एक पॉइंट का जैसे कि ई पॉइंट का एक ही टेंजेंट हो सकता है, ओके, लेकिन हम बहुत 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 ज्यादा छोटे, मतलब देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों पॉइंट में कोई डिफरेंस है तो मैथ्स के अकॉर्डिंगली एग्जैक्ट अगर देखो तो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 0.001 x में और 0.001 y में, इतना डिफरेंस है। लेकिन अगर मोटा मोटा देखो, जैसे अभी हमने अप्रोक्सीमेशन की बात की और से राउंडिंग ऑफ की बात की, ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में बात की ना, तो अगर मैं इसको वन डिजिट तक ही क्या कर दूं, राउंडिंग ऑफ कर दूं, कितने तक, वन मतलब सिर्फ एक ही डिजिट, वन मतलब डेसिमल के बाद कोई है ही नहीं, डेसिमल ही नहीं है, सिर्फ एक डिजिट तक मैं उसको क्या कर दूं, राउंडिंग ऑफ कर दूं, तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा, टू ही हो जाएगा, और ये तो टू है ही, एक ही पॉइंट हो गया, समझ में आया, इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे वन निकल गया, जीरो निकल गया, जीरो निकल गया, क्योंकि वो तो फाइव या फाइव से ज्यादा होगा तो वहां आगे बढ़ेगा, इतना छोटा है तो दोनों पॉइंट क्या हो गए, सेम हो गए, लेकिन कब सेम है, जब तुम ऐसे दूर से देख रहे हो तब सेम, मतलब इट्स लाइक कैसे कि तुम दूर से कुछ देख रहे हो तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये माउंटेन यहाँ पर है और उसके ही पीछे दूसरा बड़ा माउंटेन ऐसे है,
दूर से जब देख रहे हो तब, फिर जब एकदम नजदीक चले गए तो तुम्हें लगेगा नहीं यार ये माउंटेन के थोड़े दूर बाद वो है, फिर ये माउंटेन के ऊपर चढ़ गए तुम, तब तो तुम्हें अरे भाई वो माउंटेन तो कितना दूर है अभी, और दूर से ऐसा लग रहा था कि एक के पीछे एक है, समझ में आया, मतलब जैसे कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा अब तुम दूर से देख रहे हो, एकदम दूर से, ओके एकदम दूर से देख रहे हो तो तुम्हें क्या लगेगा, एकदम दूर से देख रहे हो तुम्हें तो ऐसा लगेगा कि चिराग सर खड़े हैं, कुछ दिखेगा ही नहीं, ओके फिर थोड़े नजदीक आओगे तो लगेगा हाँ सर ऐसे सीधे नहीं खड़े हैं, शायद कुछ दिखाने का ट्राई कर रहे हैं, हाथ ऐसा है ऐसा कुछ है, जब थोड़े नजदीक आए, और नजदीक आओगे तो तुम्हें लगेगा सर ऐसे करके खड़े हैं, मतलब एक के पीछे एक हाथ है, और नजदीक आओगे तो पता चलेगा अरे एक के पीछे एक है लेकिन थोड़ा डिस्टेंस है, वो शायद पता ना चले, और नजदीक आओगे एकदम यहां से भी तुम अगर देखोगे ना तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि एक के तुरंत बाद दूसरा है, लेकिन फिर यह साइड वे से देखोगे तो पता चलेगा वो भाई इसके बीच में इतना डिस्टेंस है, समझ में आया, कहने का बात है तुम बिगर पिक्चर देख रहे हो या स्मॉलर पिक्चर देख रहे हो, जैसे कि मैंने बात की थी और अभी अभी तो हमें थर्मोडायनेमिक्स और सब डिस्कस करना है फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में, जिसमें आएगा मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट और माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, मैक्रोस्कोपिक मतलब तुम बिगर पिक्चर देख रहे हो, छोटी छोटी बातें नहीं करो, जैसे कि अभी हम बोले कि रूम का टेम्परेचर कितना है तो हम बोल देंगे 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस पूरे रूम का हमने एवरेज निकाल लिया, अब मैं बोलूं कि ये फैन के नीचे यहां कितना है, यहां 40 नहीं होगा, यहां शायद 38 होगा, यहां 38 होगा, वहां पे 42 होगा, लेकिन हम ये छोटी छोटी चीजें नहीं गिन रहे हैं कि भाई यहाँ 38 वहां 42, ये जहां पे जितने भी पॉइंट्स हम कंसीडर करें सबका एवरेज निकाल लो वो कितना है, बोले वो 48, वो एवरेज है, अदरवाइज हम बोल दे कि भाई भरूच का टेम्परेचर 40 डिग्री है ऐसा, तो क्या पूरे भरूच में 40 है, नहीं भाई रिवर बैंक पे चले जाओ वहां पे तुम्हें लगेगा ही नहीं 40, वहां पे कम लगेगा, इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ वहां पे 40 नहीं 45 लगेगा, समझ में आ रहा है, तो वो एवरेज है सबका 40, अंडरस्टूड, तो वैसे ही यहां पर दो ये पॉइंट समझ में आ गया, तो अब ये दो पॉइंट को हम इतना नजदीक लेके आ रहे हैं, इतना मतलब इतना इतना ज्यादा नजदीक, ओके कि एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करे तो वो क्या हो जाए दूसरे को भी टच करके जाए, मतलब दूसरे को क्रॉस ना करे, दूसरे को भी क्या करे टच ही करे, मतलब टेंजेंट ही हो, तो इतना नजदीक अगर हम लेके आ गए तो हम स्लोप पॉइंट कर सकते हैं, तो अब तो एक ही लाइन बनी ना, ओके तो ये वन और टू को इतना नजदीक लेके आ गए, इतना नजदीक लेके आ गए, अब ये समझो कि यही है, अब मैं उसको जूम कर रहा हूँ, ये वन और टू ही है लेकिन उसको मैं बहुत ज्यादा जूमिंग करके तुम्हें दिखा रहा हूँ कि ये है मेरा वन और ये है मेरा क्या टू, डन जूम करके दिखाया, अदरवाइज जूम करके दिखाया तो पता चला ना कि ये एक ही टेंजेंट है जो वन में से भी पास हो रहा है और टू में से भी पास हो रहा है, अब ये क्या है मेरा y2 माइनस y1, इसको क्या हुआ y2 माइनस y1 ये क्या है मेरा, अच्छा चलो y2 माइनस y1 और ये क्या है मेरा x2 माइनस x1, लेकिन ये y2 माइनस y1 क्या है सपोज ये है 2.001 और ये क्या 2.000, अब y2 माइनस y1 करोगे तो आंसर क्या आएगा 0.000, मतलब 0.001 ही आएगा, y2 क्या है ये पूरा, तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है 2.001 और ये क्या है y1, वो डिस्टेंस कितना है 2, डन तो दिस माइनस दिस करोगे तो आंसर कितना आएगा 0.001, ये तो कितना छोटा आया, तो बहुत छोटे से ये डिस्टेंस को जैसे हमने फिजिक्स में कल और परसों डिस्कस किया था, क्या बहुत ज्यादा छोटा है, तो बहुत ज्यादा छोटे डिफरेंस को हम कैसे लिखते हैं स्मॉल डी से, तो ये स्मॉल डी और कहाँ पे डिफरेंस है वाई एक्सिस पर डिफरेंस है तो इसीलिए डी वाई, और यहाँ पर भी बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा, तो फिर हम लिखते हैं क्या डी, यही पॉइंट हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में देखे थे कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो है, जीरो नहीं हो गया, दीज आर ऑलमोस्ट सेम बट नॉट सेम, एग्जैक्टली सेम नहीं, ये दो पॉइंट ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम नहीं, अंडरस्टूड,
तो इतना इतना नजदीक चले गए, इतना क्लोज हो गए कि उनका टेंजेंट एक ही हो गया है। टेंजेंट एक ही हो गया तो स्लोप भी एक ही मिलेगा। स्लोप एक मिलेगा तो हम फाइंड कर सकते हैं कि वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये बहुत छोटा सा वाई टू माइनस वाई वन है इसलिए डी वाई, और बहुत छोटा सा एक्स टू माइनस एक्स वन है इसलिए डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स को ही बोलते हैं हम क्या, स्लोप, और इसी को बोलते हैं क्या, डिफ्रेंशिएशन। अंडरस्टूड? डिफरेंशिएशन मतलब क्या, देखो एक और बेसिक लैंग्वेज में समझाऊं तो डिफरेंशिएशन मतलब कोई बड़ी चीज को तोड़ तोड़ के एकदम छोटा कर देना। और इंटीग्रेशन मतलब ये सारी छोटी 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 चीजों से जोड़ जोड़ के बड़ा कर देना। ये है इंटीग्रेशन, एक दोनों का ऑपोजिट है एक दूसरे का। ओके, जैसे कि हम, तुम लोग ने वो गेम खेली होगी पजल, वो ऐसे ऐसे शेप होते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर होगा कोई ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर कुछ होगा ऐसे स्ट्रेट, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे जोड़ कर ऐसे पूरा एक बॉक्स बनता है, और उसमें फिर कोई एक इमेज बन जाती है एलिफेंट की, ये हो। ओके, तो अगर तुम ये सिर्फ एक पार्ट कंसिडर करो, वैसे 10 पार्ट्स है, तो ये 10 पार्ट्स अलग 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 है, उसको तुम जब जोड़ोगे तो जोड़ने की प्रोसेस को क्या बोलोगे, इंटीग्रेशन। और ये बन गया, और तुम्हारा छोटा भाई आया और सब कुछ मार के तोड़ दिया, तो उसने क्या किया, डिफरेंशिएशन, कि बड़े में से क्या कर दिया एकदम छोटा 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 सब कुछ। समझ में आया? जैसे दूसरा एग्जांपल, हम पत्ते लेते तो पत्ते खेलते हैं, शायद तुमने पत्ते खेले हो, तो हम पत्ते का भी ऐसे महल बना देते हैं, ऐसे ट्राइंगल ट्राइंगल करते, ऐसे ट्राइंगल ट्राइंगल बना दिया पत्तों का, फिर यहाँ पर वापस हॉरिजॉन्टली रख दिया, फिर से ऐसे ट्राइंगल ट्राइंगल दो दो पट्टे करके कर दिया, फिर वापस ऐसे, फिर ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, फिर वैसे, फिर वापस ऐसे। ओके, तो ये हमने क्या किया, इंटीग्रेशन, छोटे छोटे पार्ट इकट्ठा करके कोई बड़ी चीज बनाई, और फिर भाई आया बहन आई ऐसे कर सब कुछ गए, तो उसने क्या किया, डिफरेंशिएशन। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? तो यही है, तो करना क्या है, इंटीग्रेशन तो बाद में समझते हैं, लेकिन बेसिक मैं समझा रहा हूं, बेसिक। तो डिफरेंशिएशन ये है हमारा, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, लेकिन ये बेसिक क्या है पता है, चल गया, स्लोप फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं, स्लोप फाइंड कर रहे हैं। अभी देखो हम इतना डिटेल्ड में गए हैं, नहीं तो तुम कोई और तो डायरेक्टली तुम्हें स्कूल में देखना, आएगा ही नहीं ये सब, कुछ कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा आएगा ही नहीं, ना इलेवेंथ में ना ट्वेल्थ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ओरिएंटेड, मतलब भाई मैं न्यूमेरिकल, जैसे तुम्हें बताया था एक्स रेस टू एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, ये रट्टा मार लो बात खत्म, तो वो तो मैं भी करवाऊंगा ही, लेकिन बेसिक तो पता होना चाहिए ना, ये सब क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। समझ में आया? पक्का पता चल गया? तो डिफरेंशिएशन डी बाई, डिफरेंशिएशन मतलब क्या, कोई फंक्शन का हम डी बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, तो सपोज वाई फंक्शन हो उसका निकाले तो डीवाई बाई डी एक्स, ये डीवाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन वाई, डीवाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ दैट लाइन, स्लोप फाइंड करना है। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे ही बोलते हैं डीवाई बाई डी एक्स। डीवाई बाई डी एक्स क्या है, देखो कोई पूछे डीवाई बाई डी एक्स क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं ऐसा बोल दूं डी वाई बाई डी टी, तो क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी, डन। ये एक डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन, व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, इट इज द स्लोप, इट इज द स्लोप, किसका स्लोप, ये वाई वर्सेज एक्स का जो ग्राफ है ना उसका स्लोप। dy by dt क्या है, इट इज द स्लोप, किसका स्लोप, y वर्सेस t का जो ग्राफ होगा ना वो ग्राफ का स्लोप। अंडरस्टूड? तो या तो तुम स्लोप बोल दो, या तो बोल दो डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलरली वेरिएबल। समझ में आया? पक्का? श्योर? पक्का ना? कंसेप्ट तो समझ गए, कंसेप्ट समझ गए ना? अब हम जो जरूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलाज, वो और फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, उसके बगैर नहीं, फॉर्मूलाज तो याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि ये फॉर्मूला बताया था दो दिन पहले। ओके, तो ये याद रखना है, डन। ओके, समझ में आ गया? पक्का? तो ये हमने पढ़ा क्या, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, कॉन्स्टेंट होगा तो इजिली फाइंड कर दोगे,
और वेरिएबल होगा तो फिर उसको छोटा करके छोटा करके छोटा करके वो छोटा छोटा किया तभी तो डीवाई बाई डी एक्स आया, अदरवाइज तो डायरेक्टली हम वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन से इसको फाइंड कर देते जब कॉन्स्टेंट होता तो। क्या कॉन्स्टेंट में वो नहीं निकाल सकते क्या? ये कॉन्स्टेंट है सर, इसमें डीवाई बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते? निकाल सकते है, क्यों नहीं निकाल सकते? इसमें भी निकाल सकते हैं कि छोटा सा वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई छोटा सा एक्स टू माइनस एक्स वन, इसमें दोनों डायरेक्टली निकाल सकते हैं, डीवाई बाई डी एक्स भी निकाल सकते हैं। जे ओके क्या है? स्लोप, और स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये दोनों निकाल सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें कर्व में दोनों नहीं निकाल सकते, सिर्फ यही निकाल सकते हैं, ये वाला नहीं निकाल सकते क्योंकि ये तो बड़ा डिस्टेंस है ना y2 माइनस y1, यहाँ पे बड़ा डिस्टेंस आता ही नहीं है, नहीं तो एक टेंजेंट मिलेगा ही नहीं। डन, पक्का समझ में आया? श्योर, ओके। चलो तो फॉर्मूला बताता हूँ, वो फॉर्मूला रन कर लो, याद रख लो अभी ही, और फिर उसके बेस पे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल क्या मतलब, न्यूमेरिकल में उसका यूज आएगा। हाँ चलो, सो सबसे पहला y इज इक्वल टू से 5, y इज इक्वल टू व्हाट? 5, 5 क्या है? कांस्टेंट नंबर है, 5 क्या है? कांस्टेंट नंबर है, तो dy by dx क्या होगा? तो मैंने तुम्हें बताया था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज, बताया था ना, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट विल बी 0, तो इसका dy by dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, खत्म बात। अभी देखो कोई पूछेगा भाई क्यों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, किसी के पास आंसर नहीं होगा, तुम्हारे पास होना चाहिए। कैसे? देखो सपोज ये y इज इक्वल टू 5 है, ये y, ये x, y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसे होता है पता है? पता ही है, इतना मैथ्स तो आता है, तुम याद करो, ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, y इज इक्वल टू 5 मतलब ऐसा ग्राफ मिलेगा कि यहां पर तुम कोई भी पॉइंट ले लो, यही पॉइंट ले लो उसका भी y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5। ये पॉइंट ले लो उसका भी y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5। सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है लेकिन y तो कांस्टेंट ही रह रहा है, 5 5 5। अरे नेगेटिव में चले जाओगे तो भी 5 5 5, y तो 5 ही रहेगा, सिर्फ x चेंज हो रहा है। तो y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसे होगा? ऐसे। अब ये लाइन है, इसका स्लोप निकालो, ये लाइन है, इसका स्लोप निकालो, तो इसका स्लोप कैसे निकालते हैं हम? ये लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? ये दो पॉइंट ले लो, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तो इसका क्या x2 y2 और इसका भी क्या x1 y1। डन, अब इसका तुम निकालो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही है ना हमारा स्लोप? स्लोप यही है, dy by dx is equal to dy by dx छोटा करो तो वो कब होगा? तो स्ट्रेट लाइन में तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 क्या है? 5, x, y1 क्या है? देखो y1 ये जो है, सपोज ये मेरा क्या है, ये 1, 2 और 3 है, सपोज दिस इज 3, 5, और ये क्या है 1, 2, 3, 4, 5, ये सपोज पॉइंट है कौन सा 5, 5, समझ में आया? ओके, तो y2 माइनस y1 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 5 माइनस 3, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 3 2, 0 बाई 2 0, समझ में आया? कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0 ऑलवेज, क्योंकि स्लोप मतलब क्या? टेंजेंट। स्लोप मतलब क्या? तुम टेन निकाल रहे हो थीटा का, तुम टेंजेंशियल टेंजेंट फंक्शन निकाल रहे हो विद कौन से एंगल का? जो एंगल वो बना रहा है विद द एक्स एक्सिस, जैसे कि हमने इसके पहले देखा, क्या जैसे कि ये लाइन है तो ये एंगल बनाया तो हमने क्या बोल दिया? टेन थीटा। डन, तो अब जैसे कि ये थीटा 45 है, फिर
मैंने ले लिया ऐसे एंगल, तो ये थीटा कितना है 60, तो ये 10 थीटा निकालूंगा तो कितना होगा 10 45, 1, मतलब स्लोप कितना आ गया 1, ये 10 थीटा निकालूंगा तो वो कितना होगा 10 60, 10 60 कितना होगा रूट थ्री, तो ये हो गया स्लोप, डन। यही करते थे हम, तो एंगल देखो अभी 30 डिग्री वाला भी निकाल लो, ये है 30 डिग्री, तब 10 थीटा कितना होगा 1 बाय रूट थ्री। तो देखो तुम जैसे जैसे तुम्हारा एंगल बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे तुम्हारा 10 30 था तो क्या था 1 बाय रूट थ्री, 10 45 हुआ तो वो ये छोटी वैल्यू है, फिर ये किया तो क्या हो गया बड़ा, फिर ये किया तो क्या हुआ, मतलब ये छोटी वैल्यू है, इन द सेंस इसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन 0.3 रूट थ्री, रूट थ्री मतलब होता है 1.73, कितना होता है 1.73, तो ये आंसर कैसे आएगा 0 point something आएगा, क्योंकि नीचे बड़ी वैल्यू है ना, तो 0 point something आएगा, फिर ये क्या हो गया 1 हो गया, फिर ये क्या हो गया 1.73, तो देखो वैल्यू बढ़ रही है, ये 0 point something आया, ये 1 आया, फिर ये अब क्या आ गया 1.7, समझ में आ रहा पक्का, तो ये वैल्यू बढ़ रही है, तो तुम देख सकते हो कि 10 60 किया तो वैल्यू और बढ़ी, 30 फिर 30 से 45 किया तो वैल्यू बढ़ी स्लोप की, फिर वापस एंगल 45 से 60 किया तो स्लोप की वैल्यू बढ़ी, अब 10 90 कर दोगे, 10 कितना 90, तो स्लोप की वैल्यू और बढ़ जाएगी, तो मतलब ये 90 डिग्री मतलब क्या साइन 90 बाई कॉस 90, 10 मतलब क्या साइन बाई कॉस, तो साइन 90 बाई कॉस 90, तो साइन 90 तो होता है 1, लेकिन कॉस 90 क्या हो जाता है 0, तो वो हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, क्योंकि 1/0 आया ना, समझ में आ रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसका स्लोप क्या आता है 0, क्यों 0 आता है, क्योंकि यहाँ पर तुम स्लोप है ही कहाँ पर, स्लोप मतलब क्या यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हमारा स्लोप मतलब क्या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है उसका 10, स्लोप मतलब क्या कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हमारी लाइन जो एंगल बना रही है उसका 10, वो स्लोप है, एक मिनट, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हमारी लाइन जो एंगल बना रही है उसका 10 मतलब क्या स्लोप, तो हमारी लाइन ही हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के साथ थोड़ी एंगल बनाएगी, तो वो कितना एंगल है 0, इसलिए हमारा स्लोप क्या आता है हॉरिजॉन्टल लाइन का 0, और स्लोप मतलब क्या डीवाई बाई डी एक्स, इसीलिए कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, समझ में आया, ये उसका रीजन है, तुम्हें ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है लेकिन समझ में आना है, तो किसी को इतना डिटेल में पता नहीं होगा, सिर्फ तुम्हें इतना बोल देंगे कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, याद रख लो, लेकिन क्यों 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट का ग्राफ ऐसे ही होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का 10 थीटा निकालोगे तुम तो भाई थीटा है ही नहीं, थीटा तो 0 है, अगर सपोज थोड़ा भी ऐसे होता है, ऐसे होता तो देखो ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो ये थीटा क्या है, ये थीटा हो जाएगा सपोज 10 डिग्री, तो भी इसका कुछ स्लोप मिलता हमें, कैसे मिलता, ये मेरा एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तो ऐसे निकालते हम तो y2 - y1 / x2 - x1, तो थोड़ा सा स्लोप मिलता जब ये एंगल थोड़ा सा कुछ भी होता तो, लेकिन हमारी तो लाइन ही हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल क्या होता है 0, डन, तो इसीलिए कांस्टेंट का स्लोप क्या आता है 0, क्योंकि तो स्लोप क्या है 10 थीटा और वो क्या है डीवाई बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, रीजन पता चला पक्का, श्योर, ऐसे समझते हैं, लेकिन अभी मैं सारे फॉर्मूला के लिए तो ये बता नहीं सकता ना, लेकिन सारे के लिए ऐसा ही होता है, जैसे कि हम साइन फंक्शन देखे ट्रिग्नोमेट्री में, मैथ्स के स्टूडेंट्स, हमने ऐसा साइन फंक्शन देखा था याद है, फिर कॉस फंक्शन देखा जो ऐसे आधे से स्टार्ट होता है, ओके, तो ये सारे पॉइंट है, अब यहां पर तुम स्लोप फाइंड करो, ये डीवाई बाई डी एक्स ऐसे टेंजेंट यहां पर ड्रॉ किया और स्लोप फाइंड करो, वो स्लोप फाइंड करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी वही फिर यहां डीवाई बाई डी एक्स होगा, तो सबके लिए हम ऐसे ग्राफ तो ड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन एक्चुअली ग्राफ पे से ही ये वैल्यू आती है, वो बता रहा हूँ, अंडरस्टूड, हाँ नीर भाई बोलो क्या बोलते हैं, सॉल्व आ गया, हो गया, तो पहला समझ गए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0,
अंडरस्टूड, क्यू जीरो होता है वो भी बताया, डन। तो अब फटाफट दूसरे फॉर्मूलाज देखते हैं। अच्छा दूसरा लिख लो, दूसरा क्या लिखोगे, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्या y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा वो अभी क्या होगा वो बता रहा हूं, लेकिन ये एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, x रेस टू n है, x रेस टू यहां पे कोई भी नंबर हो, 2, 3, 4, 5, 10, 1,000, 1,00,000, 1 करोड़ कुछ भी हो, तो उसका कैसे करेंगे, dy बाई dx n, ये n आगे आ जाएगा, x जहां है वहीं रहेगा, और n था उसमें से एक माइनस कर देंगे, n x रेस टू n माइनस, डन। n आगे आ जाएगा, x उसकी जगह ही रहेगा और उसकी पावर हो जाएगी जो पहले थी n, उसमें से माइनस वन। तो वैसे ही dy बाई dx यहां पे क्या करेंगे कि ये दो आगे आ गया, सो से 2x उसकी जगह पे, और यहां पे हो जाएगा 2 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, 1, और 1 को लिखो या ना लिखो, तो dy बाई dx क्या आ गया, 2x, डन, सिंपल आया समझ में। एक तुम करो, y इज इक्वल्स टू x रेस टू 9, जल्दी बोलो, नाइन एक्स रेस टू 8, करेक्ट। y इज इक्वल्स टू x रेस टू 1/2, करो फटाफट, y इज इक्वल्स टू x रेस टू 1/2, हाँ क्यों नहीं आया, देखो ये n है, n आगे आ जाएगा तो 9, x x की जगह पे, और n माइनस 1 तो 9 माइनस 1, तो 9 x रेस टू 9 माइनस 1 8, पता, ओके, n आगे आ जाएगा, x उसकी जगह पे n माइनस 1, दैट्स इट, ये हमारा फॉर्मूला है, n x रेस टू n माइनस 1। अभी इसका करो, चलो y इज इक्वल्स टू x रेस टू हाफ, व्हाटएवर, ऐसा करता हूँ मैं पहले बता देता हूँ फिर मैं तुम्हें करने को देता हूँ, क्योंकि हमें बहुत कुछ कवर करना है ना, ओके। चलो इतना जो लिखा है वो बता दो, फिर मैं तुम्हें बाद में लास्ट में करने को दूंगा, पहले मैं सब बता दूंगा। सिंपल जो रूल बोला है उसी के हिसाब से करो, देखो यहां पर, देखो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, y इज इक्वल टू क्या करना है, ये मेरा n है, n को आगे लेके आओ, ले आए, x की जगह x, n माइनस 1 कर दो तो 1/2 माइनस 1, खत्म, 1/2 x, 1/2 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा, माइनस 1/2, खत्म, बस ये तो आ गया, बस तो यही है, अभी माइनस 1/2 लिखा है उसको नीचे ले जाना है तो नीचे ले जाओ, तो 1/2 तो था ही, इसको नीचे ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, x रेस टू माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। और अगर करना हो तो 1/2 मतलब क्या होता है पता है ना, क्या होता है, रूट x, दिस इज द आंसर, अंडरस्टूड। तो अब भी मैं ऐसा बोलूं कि y इज इक्वल टू रूट x का करो तो क्या होगा, y is equals to root x, तो dy by dx क्या होगा, 1/2, फिर आगे क्या, बस उतना ही, 1/2, y is equals to root x का आंसर भी यही आएगा, क्यों, क्योंकि root x मतलब क्या, x raised to 1/2, तो पहले मैंने तुम्हें ये लिख के दिया था, अब मैं तुम्हें ये लिख के दे रहा हूँ, आंसर तो वही आएगा ना, समझ में आया। मैं ऐसा बोलू y is equals to क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो कैसे करेंगे, क्यूब रूट ऑफ एक्स,
तो क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं हम, एक्स रेस टू वन बाई थ्री लिखते हैं ना, बस मिल गया तुम्हें एक्स रेस टू एन, तो खत्म। एन एक्स रेस टू एन माइनस वन मतलब वन बाई थ्री माइनस वन, जो भी आंसर आए वन बाई थ्री माइनस वन, जो भी आंसर आए क्या आएगा, वन माइनस थ्री मतलब माइनस टू बाई थ्री आएगा, वन बाई थ्री एक्स रेस टू माइनस टू बाई थ्री, दिस इज द आंसर। आया समझ में? अभी मैं ऐसा बोलू y इज इक्वल्स टू वन अपॉन रूट एक्स क्यूब, मतलब क्यूब रूट ऑफ x, वन अपॉन में, तो क्या करोगे, तो भी सिंपल, देखो हिमांशु इधर देखो क्या करोगे, वन अपॉन ये क्यूब रूट ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, अभी जो लिखा था वैसे ही, x रेस टू वन बाई थ्री, ये वन बाई थ्री ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, x रेस टू माइनस वन बाई थ्री, मिल गया तुम्हें तुम्हारा फॉर्मूला, x रेस टू n, x रेस टू n मिल गया, बस अभी फॉर्मूला लगाओ, माइन n पहले लिख दो आगे, तो n की जगह माइनस वन बाई थ्री है तो माइनस वन बाई थ्री, x की जगह x और n माइनस वन, मेरा n क्या था माइनस वन बाई थ्री माइनस वन, तो क्या हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री तो है ही x, और यहाँ पे एलसीएम ले लो, थ्री वहां चला जाएगा, तो माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर डिवाइडेड बाई थ्री, सो दिस इज द आंसर। आए समझ में? तुम्हें सिर्फ x रेस टू n का फॉर्मूला मिलना चाहिए, x रेस टू n इज इक्वल टू n x रेस टू n माइनस वन, डन। आए समझ में? पक्का? ये सब लिख लो और याद भी रखना, डन। आगे बढ़ते हैं, देखो अभी कांस्टेंट का बताया, x रेस टू n का बताया, ये सब तो एग्जांपल थे, दो ही बताया सिर्फ कांस्टेंट का और x रेस टू n का, आगे का लिख लो, log x y इज इक्वल टू व्हाट, log x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 1 बाई एक्स, याद रख लो क्या होगा 1 बाई एक्स, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई एक्स, डन, सिंपल बस इतना ही है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई एक्स, ओके। नेक्स्ट y इज इक्वल टू e रेस टू x, क्या e रेस टू x, सो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा इसका वही होगा क्या, e रेस टू x का e रेस टू x, ये फॉर्मूला याद रखो, log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, e रेस टू x का क्या होता है, e रेस टू x का e रेस टू x ही होता है, डन। नेक्स्ट y इज इक्वल टू a रेस टू x, ये e रेस टू x था, ये a रेस टू x है, ये a क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ओके okay. e हमारा लॉगरिथम वाला e है, जो लॉगरिथम में e आता है वो अगेन हमारे फिजिक्स में आएगा तब बताऊंगा, जैसे हम log लिखते, ये log लिखा हुआ है ना, ये log लिखा हुआ है, तो एक देखो तो शायद तुमने कैलसी में देखा हो, तो एक होता है log और एक होता है ln, कैलकुलेटर में शायद देखा होगा, ओके okay. तो ये ln जो होता है वो बेस e होता है और log जो होता है वो बेस n होता है, मतलब तुम ln को भी ऐसा लिख सकते हो log बेस e, मतलब वो क्या है ln है, तो वो जब हम डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा, लेकिन ये कांस्टेंट है तो ये इसका इसका क्या होगा dy by dx, इसका होगा a raise to x का, पहले a raise to x लिख लो और फिर log a, क्या a रेस टू x का a रेस टू x इंटू लॉग a, डन, a रेस टू x का a रेस टू x इंटू लॉग, देखो यहां पर भी यही फॉर्मूला है, ये जो हमने बोला ना वहां पर भी यही फॉर्मूला है, कैसा, e रेस टू x का e रेस टू x इंटू लॉग e, ये जो लगा है ना a रेस टू x का a रेस टू x और फिर जो a था उसका log, तो यहां पर भी e रेस टू x का e रेस टू x इंटू लॉग ऑफ e, लेकिन यहाँ पे बेस e होता है हमेशा, यहाँ पर भी बेस क्या है e, तो log e टू दी बेस e उसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू क्या है 1, तो इसलिए e रेस टू x इंटू 1 दैट इज इक्वल टू e रेस टू x, इसलिए डायरेक्टली आ गया हमारा e रेस टू x का डिफरेंशिएशन ये, लेकिन रूल तो यही लग रहा है, रूल क्या लग रहा है, a रेस टू x log a डिवाइडेड बाई, मतलब log a बेस e,
तो वही रूल के हिसाब से ई रेस टू एक्स लॉग ई, लेकिन लॉग ई टू दी बेस ई क्या होता है वन, और ये वन इंटू ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स, इसलिए ये तो, ये तो लॉजिक मैंने बताया, लेकिन तुम्हें याद क्या रखना है ई रेस टू एक्स, ये लॉजिक है उसके पीछे, जो रूल यहाँ लगता है वही रूल यहाँ लग रहा है, अंडरस्टूड, पक्का, श्योर, ओके। तो ये ए रेस टू एक्स भी हो गया, ई रेस टू एक्स भी हो गया, ओके। देखो जैसे इसका न्यूमेरिकल कैसे देंगे, y इज इक्वल टू टू रेस टू एक्स ऐसे दे दिया, तो ये नहीं है, यहाँ पर ये दिया होगा तो ई रेस टू ही लिखा होगा, ऐसा होगा a, मतलब a की जगह कॉन्स्टेंट टू है, तो क्या करेंगे, ये ही रूल, dy by dx इज इक्वल टू टू रेस टू एक्स का टू रेस टू एक्स, मतलब यहाँ पे टू रेस टू एक्स लॉग टू, खत्म, a की जगह टू था बस, तो जहां जहां a है वहां वहां टू लिख दो, लॉग तो पूरा एक लॉगरिथम है, वो भी मुझे एक लेक्चर लेना पड़ेगा, तो आई विल टेल यू, क्योंकि जैसे हम ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का लेक्चर कर रहे हैं, वैसे ही हम एक लॉगरिथम का भी लेक्चर करेंगे, मतलब लॉग ढूंढना, एंटी लॉग ढूंढना, ओके, वो न्यूमेरिकल में आएगा, कि अभी जो हम आगे के चैप्टर्स करेंगे ना, तो उसमें आएगा कि भाई लॉग बेस 10 और से लॉग 30 की वैल्यू निकालो, 3.142 ऐसी कोई वैल्यू है उसका लॉग निकालो, तो वो लॉग कैसे निकालते हैं, लॉग एक पर्टिकुलर टेबल है, जो टेबल तुम्हें 11th 12th में यूज करने को सिखाया जाएगा, तो मैं तुम्हें जैसे ये लेक्चर ले रहा हूँ ना, वैसे पूरा एक लेक्चर ले लूंगा जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि लॉग ढूंढते कैसे और लॉग क्या है वो भी समझाऊंगा, ये कैसे समझाया कि ये डिफ्रेंशिएशन है क्या, कहाँ से आया, नहीं तो मैं डायरेक्टली यही फॉर्मूला से स्टार्ट कर सकता था, डायरेक्टली अभी जो फॉर्मूला बता रहा हूँ वहीं से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन पहले हमने पूरा डिस्कस किया कि डिफरेंशिएशन का बर्थ कैसे हुआ, वो स्ट्रेट लाइन था तब तक तो डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब कर्व आया तब दो दो पॉइंट पर एक ही टेंजेंट नहीं मिलता था, और वो टेंजेंट के लिए हमने उनको नजदीक लेते गए, तब मुझे मिला डी, छोटा सा डी वाई अपॉन छोटा सा डी एक्स, उसको ही हमने बोला डिफरेंशिएशन, तो वो पूरा कंसेप्ट हमने समझा, फिर ये समझ रहे, वैसे ही पूरा लॉगरिथम का जो फंक्शन है, मतलब जो कंसेप्ट है वो हम समझेंगे, और फिर हम लॉग कैसे ढूंढते हैं वो भी बताऊंगा, ओके, लेकिन अभी के लिए फॉर्मूला याद रखें, ओके, यस, मतलब मैथ्स में भी आएगा फिजिक्स में भी आएगा, लेकिन मैथ्स से ज़्यादा फिजिक्स में आएगा, मैथ्स में तो अभी तो सिलेबस में से वो सब निकल गया है, तो सबसे ज़्यादा लॉग का यूज किसमें आएगा, फिजिक्स में ही आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आएगा, इट्स जस्ट अ टेबल, वो टेबल तुम्हें देखना है, ओके, बट वो टेबल आया कहाँ से, वो है क्या, वो एक्चुअली है क्या, ओके, जैसे कि अभी तुम्हें सारी वैल्यू बता दी गई है कि 10, 30 की वैल्यू बताया, 45 की बताया, 60 की बताया, ओके, लेकिन कोई बोले कि भाई 10, 20 डिग्री की वैल्यू निकालो, तुम सोचोगे सर 20 डिग्री का तो वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्री में आया ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे, तो एक्चुअली उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, रेडियन वाली मेथड, नहीं रेडियन वाली मेथड नहीं, जैसे कि 20 डिग्री बोला ना, मतलब अगर 30 डिग्री बोले उसका मीनिंग क्या होता है, कि ये हमारा है और ये एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ये हमारा है ऑपोजिट साइड और ये हमारा है एडजेसेंट साइड, तो ये ऑपोजिट बाय एडजेसेंट साइड करेंगे तो उसका रेशियो क्या आएगा, उसका रेशियो आएगा 1/√3 का जो रेशियो आता है ना, वही इसका रेशियो आएगा, तो वही इसका रेशियो आ रहा है, इसलिए ये एंगल को क्या बोल रहे हैं 30 डिग्री, प्रोटेक्टर से तुम मेजर करोगे तो वो एंगल कितना आएगा 30 डिग्री, तो अभी तुम ये कर सकते हो, ये तुम कर सकते हो एक्टिविटी, कैसे, तुम एक पॉइंट लो, देखो ध्यान से समझो, एक पॉइंट लिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, प्रोटेक्टर यहां पर रखा, 30 डिग्री पे लाइन ड्रॉ की, 30 डिग्री पे लाइन ड्रॉ की, ये 30 डिग्री पे लाइन ड्रॉ, डन, और 30 पे भी नहीं, इजी कर देता हूँ, 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ की, कहाँ पर, 45 डिग्री पर ऐसे लाइन ड्रॉ की, ये क्या है, 40, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 45 डिग्री, इतना तो तुम प्रोटेक्टर से ड्रॉ कर सकते हो ना, ये पॉइंट लिया, लाइन ली और 45 डिग्री पर ये लाइन ड्रॉ की, डन, इजी। अब यहाँ पर ट्राइंगल बना लो, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ से मैंने ले ली सपोज 10 सेंटीमीटर, कितना ले लिया 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से ऊपर चले जाओ, अब ये तो तुम्हारे हाथ में नहीं है ना कितना लेना, तुम एक ही फिक्स कर सकते हो, या तो ये फिक्स कर दो या तो ये फिक्स कर, तुमने ये ले लिया 10 सेंटीमीटर, फिर ये जो भी आए कनेक्ट कर दो, वो जो 45 डिग्री लाइन थी उसको कनेक्ट कर दो,
अब तुम मेजर करो, क्या मेजर करोगे, ये ए बी सी, तो तुम ए बी मेजर करो और डिवाइड बाय कर दो बी सी, तो ए बी तो तुम मेजर करोगे, ए बी तो तुम मेजर करोगे, बी सी तो तुम्हारे पास है कितना 10, ए बी तुम मेजर करोगे तो वो भी आएगा बोल रहा हूं, तुमने ड्रॉ नहीं किया है स्केल से, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कितना 10 ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ए बी बाई बी सी ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, तो ऑपोजिट बाई एडजेसेंट मतलब 10 थीटा, और 10 थीटा तुमने ड्रॉ किया है 45, और 10 45 की वैल्यू तुम्हें पता है 1 होती है, तो ये ऑटोमेटिकली 10 ही आएगा, तभी 10 बाई 10 इज इक्वल्स टू क्या होगा 1, ऐसे आता है ये वैल्यू, तो वो सब हमें 10th में हमने इतना डिटेल में आता नहीं है इसलिए हमने पढ़ा नहीं, बस के पीछे का कंसेप्ट ये है, तो तुमने एक 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे तुमने 10, अभी जैसे कि ऐसा समझ लो हम साइन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं साइन की, और ये मैंने एंगल कितना ड्रॉ किया है 30, ये कितना एंगल ड्रॉ किया 30, एक पॉइंट लिया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कंसेप्ट हम समझ रहे हैं अभी अभी, डिफरेंशिएशन के साथ इसका लेना देना नहीं है, ये तो बात आई इसलिए बता रहा हूं, ये पॉइंट ड्रॉ किया स्ट्रेट लाइन और 30 डिग्री पर लाइन ड्रॉ कर दी, देन 30 डिग्री पर लाइन ड्रॉ कर दी, अभी ये मैंने ले लिया कितना 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर लिया यहां आया और ये जो लाइन थी 30 डिग्री की पूरी ऐसे वहां पर ऐसे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा तभी तो हम ट्रिग्नोमेट्री लगा पाएंगे, पाइथागोरस तभी तो लगेगा, ये परपेंडिकुलर जो ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे सीधी वर्टिकल लाइन की थी जो ये लाइन को कट कर रही है, डन, तो अब तुम मेजर करोगे क्या, सपोज यहां पर तुम साइन 30 निकालो तो क्या होगा, साइन 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड AB डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस AC, डन, ये तो तुमने 10 ड्रॉ किया था, ये तो तुमने ड्रॉ किया, दो ही डायमेंशन तुमने लिए थे, एक 30 और ये 10, अब ये दो तो तुमने ड्रॉ नहीं किए थे, अब ये दो भी ऑटोमेटिकली वैसे आएंगे कि ऑपोजिट मतलब AB डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस मतलब AC, वो कैसे आएंगे, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, सपोज AB आया तुम्हारा 10 तो AC आ जाएगा तुम्हारा 20 और आंसर आ जाएगा 1/2, क्यों, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2, ऑटोमेटिकली वैसा आएगा, तो वैसा आ रहा है इसलिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है इसलिए ऐसा नहीं आ रहा है, पहले हमने ड्रॉ करके देखा तब जाके ये वैल्यू आ रही है, तो फिर मैं बोल दूं फिजिक्स में हम देखेंगे साइन 20 की वैल्यू निकालो, 10-20 की वैल्यू निकालो, वो तो हमें पता नहीं है, और उस टाइम पे हम ऐसे ड्रॉ करने के लिए तो नहीं जा सकते ना कि 20 डिग्री का ड्रॉ करो फिर ये लो ये डायमेंशन मेजर किए अच्छा तो इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, वो हम कर सकते उतना टाइम नहीं हमारे पास, कर तो सकते हैं तो सही भी आएगा लेकिन उतना टाइम है नहीं, तो उसके लिए पूरा टेबल बना कर दे दिया है तुम्हें बुक ने, हमारे ऑथर्स ने, एनसीईआरटी ने पूरा फिजिक्स इसके पीछे है निकाल, शायद हो तो नहीं होगा दूसरी बुक के पीछे होगा, पता तो निकालो नहीं वो नहीं तो दूसरी बुक के पीछे होगा, और केमिस्ट्री की बुक के पीछे भी है, यहाँ पर कोई है 11th-12th की बुक, हाँ लेकिन वो 11th केमिस्ट्री में भी उसके पीछे ही होगा, कौन सी सेकेंड बुक के पीछे, पीछे का पूरा है ना होंगे डेफिनेशन ऑफ ऐसा यूनिट, देखो ऐसा ही एक टेबल मिलेगा तुम्हें जिसको कन्वर्जन थर्मोडाइनेमिक्स टेम्परेचर स्टैंडर्ड पोटेंशियल आंसर आ गए तो नहीं है इसके पीछे, बट तुम्हें एक बुक में तो गिवन होगा ही, देखो जिसमें उसमें वन आंसर आएगा हाँ तो सब में ऐसा सेम ही रहेगा, सेम मतलब 10 सेंटीमीटर तो 10 हाँ सेम आएगा ऑटोमेटिकली सेम आएगा, और वन तो सिर्फ एक में आता है ना 10-45 वन होता है और तो कोई वन होता नहीं, डन ओके, तो ये सारे 30-20-10 तो भाई ये 10 डिग्री के लिए अभी मैं साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू 10 की वैल्यू कैसे ऐसे ड्रॉ कर करके तो निकाल नहीं सकते, तो तुम्हें पहले से एक
टेबल बना कर दे दिया है। वो टेबल में तुम वैल्यू देखोगे तो डायरेक्टली तुम्हें पता चल जाएगा 10-20 की वैल्यू इतनी है, साइन 20 की वैल्यू इतनी है। तो वो टेबल कैसे देखते हैं वो, और लॉगरिथम टेबल कैसे देखते हैं वो, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। अभी टेबल में तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें सिखाऊंगा क्या तुम्हें कि टेबल देखते कैसे, तुम्हें पता चल जाएगा कि साइन 20 की वैल्यू कैसी है। लेकिन वो टेबल में वैल्यू कहां से आई, टेबल बनाने वाले को भी तो पता होना चाहिए। उसने कैसे पता किया, उसने ऐसे ड्रॉ करके पता किया, समझ में आया, उसने ड्रॉ करके पता किया। ये कंसेप्ट है, और फिर कंसेप्ट हम हर बार तो इतना लॉजिक लगा नहीं सकते ना, टाइम कंज्यूमिंग है एक्टिविटी, तो इसलिए हमें शॉर्ट में टेबल दे दिया गया। तो वो टेबल कैसे रीड करते हैं, साइन का, टेन का, वो टेबल कैसे रीड करते हैं वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। और वैसा ही कंसेप्ट लॉगरिथम के लिए कैसे करते हैं वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। अंडरस्टूड, समझ में आया। चलो वापस आते हैं हमारे कंसेप्ट पे। तो हम लास्ट पे थे ए रेस टू एक्स वाला, डन, समझ में आ गया पक्का। तो ये हमारे कई फॉर्मूलाज थे, ओके, और फिर ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि याद रख लो क्या, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो कॉस एक्स डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, याद रह गया, ओके याद रह गया ना, बस इतना ही है। नेक्स्ट वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स हो तो डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा, साइन एक्स, उसका उल्टा लेकिन माइनस, कॉस के लिए क्या आएगा, माइनस साइन, डन। ये सब लिख लो हिमांशु, ये सब काम आएगा, नहीं तो फिर जब मैं न्यूमेरिकल दूंगा या हमारा फिजिक्स के न्यूमेरिकल आएंगे फिर वापस ये सारे फॉर्मूला तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, बुक में नहीं है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। अगर वाई इज इक्वल टू है टेन एक्स तो डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स, डन, ओके, सारे फॉर्मूला ही है। y इज इक्वल टू होगा sec x, y इज इक्वल टू क्या है, sec x, सो dy by dx होगा sec x, नहीं मैथ्स में मिलेंगे, फिजिक्स में नहीं मिलेंगे, sec x इंटू टेन एक्स, sec x होगा तो क्या होगा, sec x इंटू टेन एक्स, टेन एक्स होगा तो क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स, डन, ओके। साइन का कॉस, कॉस का साइन, यस, देख लिया, देख सकते, ओके। और कोई बाकी रहता है तो मैं देख लेता हूँ कि कोई बाकी रहा है। हमने कांस्टेंट का देख लिया, हाँ कांस्टेंट y इज इक्वल्स टू x का क्या होगा, तो सिर्फ x है उसका dy by dx क्या होगा, सिर्फ x ही है, सिर्फ x, तो उसका क्या हो जाएगा, 1, वो याद रख लो। अदरवाइज तुम वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कौन सा, nx raise to n minus 1, यहाँ पे x raise to क्या है, 1, तो वही फॉर्मूला लगाओगे तो 1 x raise to 1 minus 1, तो 1 x raise to 1 minus 1 0, एनीथिंग रेस टू जीरो का आंसर क्या आता है, 1, तो 1 इंटू एक्स रेस टू जीरो का आंसर है 1, 1 इंटू 1, 1, तो दैट्स राइट, तो dy by dx ये इसका है पक्का, और ये इसका है, ये cos x होगा तब माइनस साइन x, ये sec x होगा तब sec x इंटू tan x, ये tan x होगा तो सेकेंड स्क्वायर x, ये साइन x होगा तो cos x, सारे अलग अलग फॉर्मूला है, डन, ओके। देन ई रेस टू एक्स देख लिया, लॉग एक्स भी देख लिया, ए रेस टू एक्स भी देख लिया, साइन एक्स भी देख लिया, कॉस एक्स भी देख लिया, टेन एक्स भी देख लिया, सेक एक्स भी देख लिया, अरे कॉसेक एक्स रह गया ना, देखो वाई इज इक्वल्स टू वॉट, कॉसेक एक्स, तो डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स लेकिन माइनस,
देखो एक कॉस का होता है तो माइनस साइन एक्स आता है, कॉस एक्स का है उसमें भी माइनस आया, उतना याद है। डन, ओके, देन दैट्स इट। और जैसे टेन का था वैसे ही वाई इज इक्वल्स टू कॉट एक्स होगा, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेकेंट स्क्वायर का एक्स, ये सेकेंड स्क्वायर एक्स है वैसे कॉसेकेंट स्क्वायर का एक्स। डन, ओके, सेकेंड स्क्वायर एक्स कॉट का कॉसेकेंट स्क्वायर का एक्स, लेकिन ये भी क्या माइनस। एक शॉर्ट में ट्रिक बता दू तो, जब आगे सी आता है, सी कॉस आता है तो उसमें साइन आ गया माइनस, कहाँ गया, कॉस आया तो साइन आया माइनस, यहाँ पे कॉस एक्स आया तो साइन हो गया माइनस, यहाँ पे कॉट आया साइन हो गया। अगर वाई में कॉस कॉट कॉसेक आ रहा है तो उसका डीवाई बाई डी एक्स में क्या हो जाएगा माइनस। डन, ये सारे हमने देख लिए, दैट्स इट, यही था, यही था, मतलब डिफरेंशिएशन में अभी है, लेकिन अभी के लिए जो फॉर्मूलास तुम्हें पता होने चाहिए थे, बस इतने फॉर्मूला से तुम्हारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल 11th के भी और 12th के भी हो जाएंगे, इतने फॉर्मूलास तुम्हें याद रखने। अभी थोड़े रूल्स भी है, ओके, कि जब बीच में प्लस आ जाएगा तो क्या करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा तो क्या करेंगे, बीच में डिवाइड आ जाएगा तो क्या करेंगे, ओके, वो सब रूल हम देखते हैं, लेकिन फॉर्मूला उतने, वो रूल में भी फॉर्मूला तो यही सारे लगेंगे। डन, सब समझ में आ गया, एक बार क्विक रिविजन करते हैं। पहले बताया था वाई इज इक्वल टू 5 कॉन्स्टेंट, तो उसका क्या होता है 0, फिर बताया x रेस टू n, उसका होता है n x रेस टू n माइनस 1, फिर बताया e रेस टू x, तो उसका होता है e रेस टू x, फिर बताया a रेस टू x, तो उसका होता है a रेस टू x इंटू log a, ओके, फिर बताया log x, तो log x का होता है 1/x, फिर हमने देखा sin x, sin x का cos x, cos x, cos x का माइनस sin x, tan x, tan x का होता है सेकेंड स्क्वायर x, sec x, उसका होता है sec x इंटू 10x, ओके, फिर हमने देखा cot x, तो cot x का होगा माइनस cosecant square x, फिर होगा cosec x, तो उसका भी होगा माइनस cosec x into cot x। डन, समझ में आ गया, तो इतने फॉर्मूलाज तुम्हें याद रखने हैं। चलो अब मैं देता हूं तुम्हें, तो तुम करके बताओ मुझे फटाफट, y is equals to 2x का क्यूब, वन वाई इज इक्वल टू 2x का क्यूब, सेकेंड y इज इक्वल टू e रेस टू x, थर्ड y इज इक्वल टू cos x, अभी देख के नहीं करना है, जितना याद आए उतना, वो फोर्थ y इज इक्वल टू 10x, फिफ्थ y इज इक्वल टू 3 रेस टू x, सिक्स y इज इक्वल टू 2x, सेवेंथ y इज इक्वल टू sin x, एट y is equal to cos x, 9 y is equal to sec x, 10 y is equal to cot x, 11 y is equal to log x, 10 11 12 y is equal to 12। क्या होगा फटाफट बताओ, dy by dx इसका, चलो बताओ पहले देख लो, और आता ही हो तो बताओ, या फिर हम डिस्कस करो, अभी जो हमने डिस्कस किया उसके बेस पे ही है सब कुछ।
हो गया, तो चलो फटाफट। अरे dy by dx फाइंड करना, सारे फॉर्मूला यूज करके, इसीलिए तो जितने भी हमने किए वो सारे फॉर्मूला यूज करके dy by dx कर। पहला हुआ, पहला किस किस का हुआ, किसी का नहीं हुआ पहला, जल्दी हाँ या ना तो बोलो। क्या आया? 6x2। देखो y is equals to ये है, तो dy by dx, तो भाई 2 x³ है, तो 2 तो कांस्टेंट है, उसको अलग रखो, और मुझे किसका करना है, x³ का। ओके, मुझे किसका करना है, x³ का, तो x^n, तो वो क्या हो जाएगा, n x^n-1, तो ये क्या हो गया, 2 × 3 = 6x², हाँ सही है, खत्म। चलो सेकेंड, ये तो फॉर्मूला ही है, e^x का क्या होता है, e^x। ओके, तो e^x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e^x। थर्ड, ये भी फॉर्मूला है, करेक्ट, dy by dx क्या होगा, cosec x आएगा, तो माइनस आएगा cosec x into cot x, ये भी फॉर्मूला है, tan x का क्या होता है, करेक्ट, फॉर्मूला ही तो है डायरेक्ट, और ये फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट, तो dy by dx क्या होगा, 3x का, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहले वो याद करो, n वाला, किसका वाला, n वाला, नहीं वो नहीं लगेगा, x^n इज इक्वल्स टू n x^n-1, वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, फर्स्ट वाले में वो लगेगा, क्योंकि x^3 था, यहाँ पे 3x है, e^x नहीं, मतलब वही a^x वाला, e^x के साथ वो जो करवाया था a^x, वो लगा, वो लगाओ, a की जगह 3 है, a^x का क्या था फॉर्मूला, a^x (log a), डन, तो क्या होगा, a^x मतलब 3x इंटू लॉग ए, तो लॉग क्या, a मतलब 3, खत्म, डन। नेक्स्ट 2x का क्या होगा, नहीं 2x का, 2x का क्या होगा, 2, ये और ये अलग अलग है, देखो ये 2 × x है और ये 3x का, ये 2x ऐसा नहीं है, 2x है, 2x, 2 × x, कैसे, क्या कैलकुलेशन, हाँ तो करेक्ट है, यस, तो dy by dx 2x का क्या होगा, सिर्फ 2, ये कैसे आया, तुम इसको 1 लेना हो तो 1 लो, अदरवाइज मैंने अभी लास्ट में बीच में एक फॉर्मूला बताया ना, y is equals to x होगा, तो dy by dx क्या हो जाएगा, 1, ये कैसे हुआ वो बताया था ना, इसको अगर 1 लो तो 1 x^(1 - 1), 1 x^(0), और इसको बोलते हैं 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1, मतलब x को सिर्फ फंक्शन क्या हो, x, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, x का डिफरेंशिएशन 1, ये दो तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये क्या हो गया, 2, डन। dy by dx sin x, तो क्या होगा, sin x का होता है cos x, dy by dx cos x क्या होगा, minus sin x, dy by dx sec x, sec x का y is equals to sec x, तो dy by dx क्या होगा, correct, sec x into tan x, then dy by y is equals to cot x, तो dy by dx क्या होगा, cot x का, cot मतलब tan, tan का था second square, तो cot का होगा cosecant square, okay, तो cosecant का square x, लेकिन cot है तो minus, then next y is equals to log x, क्या होगा, 1/x, very good, and y is equals to 12, तो क्या होगा, dy by dx, y is equals to 12, 0, constant है वो, constant का 0, done,
ये सारे फॉर्मूला एक साथ याद होने चाहिए, तब जाके सॉल्व होगा। लेकिन इसमें तुम्हारा पूरा फिजिक्स का आ गया, 11, 12 में जो भी डिफरेंशिएशन आएगा इसमें सब कुछ कवर होगा, सब कुछ 11th का भी और इवन 12th का भी, इतने में ही पूरा डिफरेंशिएशन जो भी फिजिक्स में आएगा खत्म। अब सिर्फ रूल देखने बाकी है। लेकिन ये समझ में आ गया पक्का? अभी टाइम हो गया है लेकिन रूल खत्म कर देते हैं, क्योंकि फिर थोड़ा लिंक टूट जाएगा तो मजा नहीं आएगा। ओके, लेकिन मेरा 12th का क्लास भी है, चाय नाश्ता बाकी है। चलो, तो ये सारे फॉर्मूलास हमने देख लिए। हमने पहले डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट, कैसे डिफरेंशिएशन पैदा कैसे हुआ वो देखा हमने, फिर हमने फॉर्मूलास देखे। फॉर्मूलास के बाद मैंने थोड़े तुम्हें करने के लिए दिए। अब हम रूल समझ लेते हैं। तो रूल में कौन कौन से है? पहला तो है एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या एलजेब्रा? एलजेब्रा में हमें क्या देखना है? एलजेब्रा में हमें देखना है कि अगर बीच में प्लस और माइनस गिवन हो, पूरा फंक्शन है, बीच में क्या है? हाँ, बीच में अगर प्लस और माइनस हो तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां प्लस है वहां पे प्लस रख दो, जहां पे माइनस है वहां पे माइनस रख दो, तुम अपना डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करो। जैसे कि y इज इक्वल टू है 2x का क्यूब प्लस e रेस टू x, तो ये तो दो दो फंक्शन हो गए, एक ये और एक ये, और बीच में प्लस भी आया। कोई बात नहीं, प्लस की जगह प्लस और तुम अपना काम करो। तो dy by dx क्या होगा? पहले तुम्हारा ये है तो 2x क्यूब का क्या होता है? अभी किया था तुम लोग ने 6x स्क्वायर, तो 6, ये एक ही नंबर क्यों आता है बार बार, कोई बात नहीं, 6x का स्क्वायर। कैसे? 2 तो बाहर आ गया, x रेस टू n का n x रेस टू n माइनस 1, तो 3 आगे आ जाएगा, 3 टू 6, x रेस टू 3 माइनस 1 2, तो 6x स्क्वायर। प्लस की जगह प्लस, माइनस होता तो माइनस रखते, कोई बात नहीं। e रेस टू x का क्या होता है? खत्म, बस ये हो गया। ये y अगर ये हो तो dy by dx ही है, ये आंसर खत्म। अगर बीच में माइनस होता तो हम भी माइनस कर देते, और कुछ नहीं, डन। यही है एलजेब्रा का रूल, खत्म। फॉर्मूला आता होता है, एलजेब्रा का रूल आता ही है, डन। ओके, एक मैं देता हूँ, चलो कोई भी बना के दे दूँ या इसमें की मैंने, अच्छा चलो मैं इसमें से देता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x, तो डीवाई बाई dx क्या होगा? जल्दी y, जल्दी बोलो यार, इतना टाइम नहीं। क्या क्या? dy by dx क्या होगा? x थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5 या 5x, 5 खत्म, सही है। n x रेस टू n, तो n x रेस टू n माइनस 1, 3x स्क्वायर, बीच में प्लस प्लस 5x का 5, x का 1, डन। ओके, नेक्स्ट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ई रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस कॉसेक एक्स, ऐसा तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस तुम्हें जो करवाने हैं उसके लिए जो लिखा था वही मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अदरवाइज तो कुछ भी बनाकर दे सकते हैं। तुम्हें सिर्फ पता होना चाहिए करते कैसे है, फॉर्मूला पता हो तो कर सकते हैं। तो dy by dx क्या आएगा इसका? क्या आएगा? 3x स्क्वायर। तू कहां से आ गया? 3 है ना, 3x का स्क्वायर, nx रेस टू n माइनस 1, हां तो 3x स्क्वायर, फिर प्लस e रेस टू x का e रेस टू x प्लस का प्लस log x का 1 अपॉन x, फिर माइनस कॉसेक एक्स है तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, खत्म, वेरी गुड, डन। हिमांशु समझ में आ रहा है? ओके, लिखते जाओ तो घर जाके देखने में काम आएगा,
अदरवाइज ये सब नहीं मिलेगा बुक में। और एक देता हूँ, चलो लास्ट मैंने तुम्हारे लिए जो लिखा था वही देता हूँ। y इज इक्वल्स टू 6x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट x प्लस 2 रेस टू x प्लस cos x। तो क्या होगा dy by dx? समझ में ना आए तो पूछना, सबको बोल रहा हूँ समझ में ना आए तो पूछना। हाँ तो करो उसका क्यों एच वाई इज इक्वल्स टू, अलग से करते हैं देखो, वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एक्स, तो वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स रेस टू 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू माइनस 1/2, बस मिल गया एक्स रेस टू एन। कुछ नहीं, a raise to x into log a, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 2 रख दो, बस जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 2 रख दो। हाँ जैसे कि फॉर्मूला है हमारा a raise to x का होता क्या है, a raise to x into log a, तो अगर मेरा 10 raise to x है तो उसका क्या होगा, 10 raise to x का 10 raise to x into log 10, बस खत्म। जहां जहां a है देखो, x को तो x है ही, a है वहां 10 है, तो जहां जहां a है वहां वहां 10 रख दो, ऐसा ही 10 x। हाँ वैसा ही, वैसा ही 2x में जाकर 2x log 2 raise to x, 2 raise to x log 2, बस। हो गया, बहुत टाइम लगा। चलो 6x स्क्वायर का क्या होगा, 12x, वेरी गुड। इसका क्या होगा, देखो इसका मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिखा है x रेस टू माइनस 1/2, तो n तो माइनस 1/2 x रेस टू n माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस 3/2, आया समझ में। यहाँ पे x रेस टू n तो n n x रेस टू n माइनस 1 तो माइनस 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 माइनस 1 कितना होता है, माइनस 3/2, खत्म। प्लस 2 रेस टू x का 2 रेस टू x इंटू लॉग 2 प्लस cos x, प्लस नहीं आएगा माइनस हो जाएगा माइनस साइन x, डन। आ गया समझ में, तो यही था हमारा एलजेब्रा रूल। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। तो एलजेब्रा मतलब प्लस और माइनस हो तब तक तुम ये कर लोगे, मल्टीप्लीकेशन हो तो क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन हो तो क्या करोगे, जैसे कि y इज इक्वल टू x साइन x, क्या दे दिया x साइन x, अब बीच में प्लस होता तो तुम कर लेते सर x का 1 और साइन x का cos x, खत्म। लेकिन बीच में प्लस नहीं है, बीच में माइनस भी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब क्या मल्टीप्लीकेशन है। तो उसके लिए क्या करना है, इसको बोलते हैं यूवी मेथड। क्या बोलते हैं, यूवी मेथड, युवराज सिंह नहीं, ओके, यूवी मेथड मतलब किसी एक को तुम यू मान लो और किसी दूसरे को तुम मान लो वी, डन, ओके। फॉर्मूला क्या है याद रखना पड़ेगा, हाँ तो फॉर्मूला क्या है, यू कॉन्स्टेंट डीवी बाई डी एक्स, बीच में प्लस आएगा, v कांस्टेंट du by dx, खत्म। dy by dx क्या होगा, पहले u को कांस्टेंट रखो, v का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर v को कांस्टेंट रखो और फिर u का डिफरेंशिएशन कर दो, डन। ये मैंने u माना, ये मैंने v माना,
तो फॉर्मूला क्या, ये फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, तो क्या होगा, यू कॉन्स्टेंट वी का डिफरेंशिएशन, तो यू कॉन्स्टेंट मतलब एक्स की जगह तो कॉन्स्टेंट है तो एक्स को एक्स ही रहने दू, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, बीच में प्लस प्लस, अब v कांस्टेंट, मेरा v sin x था तो sin x को कांस्टेंट रख दिया, और फिर u का डिफरेंशिएशन du by dx, तो x का कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, खत्म, दिस इज द आंसर, x cos x प्लस sin x, तो क्या किया, करना क्या है, एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, फिर बीच में प्लस, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखो और पहले का डिफरेंशिएशन, दैट इज यू, पहले x को कांस्टेंट रखा, कांस्टेंट, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर sin x को कांस्टेंट रखो, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 खत्म, बीच में प्लस, ऑलवेज बीच में ऑलवेज प्लस, आया समझ में, या फिर से बता, देखो क्या है, दो टर्म है मेरे पास, मैंने एक को नाम दे दिया u और दूसरे को नाम दे दिया v, तो मैंने u का करना है पहले, फिर v का डिफरेंशिएशन करना है, बीच में प्लस रखना है, फिर v को कांस्टेंट रखो और फिर u का डिफरेंशिएशन करो, तो मैंने x को कांस्टेंट रखा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर sin x को कांस्टेंट रखा, x का डिफरेंशिएशन 1, खत्म, एक का करो दूसरे को कांस्टेंट रखो, फिर दूसरे का करो पहले को कांस्टेंट रखो, तो हमारा फॉर्मूला नहीं है अभी, sin x का क्या होता है, cos x, फॉर्मूला याद है ना, डन, हाँ मतलब अभी तो समझ में तो आया ना कैसे हुआ, चलो दूसरा देता हूँ, अब ये तुम करो, सपोज y इज इक्वल्स टू e रेस टू x x क्यूब, क्या होगा, dy by dx is equals to e raise to x plus 3x, गलत है, क्या 3x square आएगा, yes, okay, फिर भी गलत लग रहा है, गलत ही है, हाँ बोलो क्या आएगा, dy by dx e raise to x प्लस ऐसे ही 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब e रेस टू x, यस दिस इज करेक्ट, कैसे, देखो क्या करना है, dy by dx किसको u मानू, चलो मैंने e रेस टू x को u मान लिया, तो उसको कांस्टेंट रखे, e रेस टू x को कांस्टेंट रखे, या अब डिफरेंशिएशन x क्यूब का करना है, तो x क्यूब का क्या होता है 3x का स्क्वायर प्लस, अब दूसरे को कांस्टेंट कर लो, एक्स क्यूब को कांस्टेंट कर लिया, ई रेस टू एक्स का करो डिफरेंशिएशन, ई रेस टू एक्स का क्या होता है, ई रेस टू एक्स, तो ये सही है, तो पहले इसको इससे मेजर लगाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई किसी को नहीं करना है, मल्टीप्लाई तो बीच में आएगा ही, हमें एक को कांस्टेंट रखना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, फिर जिसका बाकी रह गया, जिसको कांस्टेंट रखा था उसका डिफरेंशिएशन करो, और जिसका पहले डिफरेंशिएशन किया था उसको कांस्टेंट रखो, दैट्स इट, वन बाई वन करना है और बीच में प्लस रखना है, तुम किसी को भी यू, मैं इसको भी यू मान सकता हूँ, इसको भी वी मान सकता हूँ, मैं इसको भी यू मान सकता हूँ, इसको भी वी मान सकता हूँ, वो हमारे लिए करना क्या है, एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस, दूसरे का कांस्टेंट रखो, पहले का डिफरेंशिएशन, डन, पक्का समझ में आ गया, आगे बढ़े या प्रैक्टिस के लिए दूं, एक दे दूं, नहीं तो हमारा थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्लास, अभी है थोड़े दो तीन मिनट, कोई बात नहीं देता हूँ, y इज इक्वल्स टू cos x log x,
कॉस एक्स वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस साइन एक्स, करेक्ट। देखो क्या किया, कॉस एक्स को कांस्टेंट रखा लॉग एक्स का वन बाई एक्स, फिर लॉग एक्स को कांस्टेंट रखा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, बस। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करना हो तो कर दो, कॉस एक्स इंटू वन वन डिवाइडेड बाई एक्स था तो डिवाइडेड बाई एक्स प्लस, लेकिन ये माइनस है तो प्लस की जगह माइनस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, ये सिंप्लीफाई करो या फिर ये भी दोनों सही है, डन। आ गया डन। अब डिवीजन, ये मल्टीप्लीकेशन था, अब हम करते हैं डिवीजन, उसके लिए भी रूल है। डिवीजन, तो डिवीजन कैसे करेंगे, से y इज इक्वल्स टू, अब इसको हम क्या बोलेंगे, u बाई v, क्या बोलेंगे, वो u इंटू v था ना, तो ये u बाई v होगा, ओके। तो डिवीजन उसको कैसे करेंगे, याद रख लो, dy बाई dx v कांस्टेंट du बाई dx माइनस u कांस्टेंट dv बाई dx डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, v का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, याद रखो। क्या किया, नीचे तो जो नीचे है उसका स्क्वायर कर देना है, बात खत्म। ऊपर क्या करना है, ऊपर पहले जो नीचे था डिनोमिनेटर v उसको कांस्टेंट रखना है, तो v को कांस्टेंट रखा, u का कर दो, फिर बीच में वहां पे ऑलवेज प्लस था, यहाँ पे ऑलवेज माइनस, फिर u को कांस्टेंट रखो, v का कर दो, तो अगर ऑलवेज प्लस मतलब इधर माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस मतलब अगर cos x आ रहा है तो cos x में तो माइनस sin x आता है, वो आए वो अलग, लेकिन फॉर्मूला में प्लस होता है, ऐसा मेन फॉर्मूला में प्लस है, फिर तुम्हारा cos x x हो, cot x हो, cos हो, cos x हो, उसके उसकी वजह से जो माइनस आ रहा है वो तो आएगा, उसमें कोई नहीं, ये याद रह गया पक्का। अभी देखो इजी हो, इजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, डन। आगे है साइन एक्स बाई एक्स, क्या करेंगे हम, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, पहले इसको कांस्टेंट रखना है v को, x कांस्टेंट, साइन एक्स का करना है, साइन एक्स का क्या होता है cos x, फिर माइनस साइन एक्स को कांस्टेंट रखो, x का क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय नीचे जो है उसका स्क्वायर, खत्म। हाँ यहाँ पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट, वहां पर तो प्लस था तो तुम कोई भी सीक्वेंस लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे बीच में माइनस है तो सीक्वेंस यही होगी। v को कांस्टेंट रखना है, u का करना है, फिर u को कांस्टेंट रखना है, v का करना है, डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, u बाय v, ऊपर वाला u, नीचे वाला v, डन। समझ में आ गया, x का अपने cos x का, देखो v मेरा v ये था तो v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, du by dx तो sin x का करेंगे वो हो जाएगा cos x, माइनस माइनस, फिर u कांस्टेंट तो u था मेरा sin x तो sin x कांस्टेंट, dv by dx मतलब v का करना है डिफरेंशिएशन तो v ये है x, x का डिफरेंशिएशन 1, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर तो x है तो x का स्क्वायर, डन। समझ में आ गया, तो चलो एक करो, y इज इक्वल्स टू e raise to x upon x plus 3x
एक्स का कॉस एक्स नहीं किया, एक्स तो कांस्टेंट था, अभी इसका करना था साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, फॉर्मूला है हमारे पास, फिर साइन एक्स को कांस्टेंट रखा, एक्स का करना है, एक्स का वन होता है वो पता है हमें, चलो देखो देखो यहाँ कैसे करना है, समझ में आए तो ही हाँ बोलना, देखो dy, चल भाई dy by dx is equals to, क्या करना है v को कांस्टेंट रखना है, मेरा v क्या है नीचे वाला, तो v को कांस्टेंट रख दो x plus 3x, अभी u का डिफरेंशिएशन करना है, u क्या है e raise to x, तो उसका कर दो, e raise to x का होता है e raise to x, फिर बीच में माइनस तो माइनस, अब u का तो कर दिया, v का करना है ना, तो u को कांस्टेंट रख लो, u को कांस्टेंट रख लिया, v का करो, v का करना है ना, फॉर्मूला कहाँ गया, ये रहा v का करना है, v मेरा क्या है नीचे वाला, इसका करना है तो इसका करेंगे तो क्या होगा x, देखो इसका करेंगे तो क्या होगा x का 1, 3x का 3, क्योंकि x का तो 1 होता है ना, x का 1 होता है, 3x में 3 तो कांस्टेंट और x का क्या होता है 1, अरे क्यों y is equal to x, तुमने ही तो बताया था कि 1 होता है, x है तो dy by dx क्या होगा 1, क्यों तुमने तो बोला था x raise to 1, तो 1 x raise to 1 minus 1 is equals to 1 x raise to 0 is equals to 1 into 1 is equals to 1, तो x का क्या हुआ 1, तो यहाँ पर x है तो x का क्या हुआ 1, फिर यहाँ पर 3x है तो 3 बाहर और x का फिर से क्या होगा 1, तो 3 into 1 3, ये रहा 3, then तो क्या किया हमने कि v constant u का differentiation, फिर v constant u का differentiation divided by v का square, v क्या है हमारा x plus 3x, तो x plus 3x का square, खत्म, x square 16 क्या किसका आंसर, क्या 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 स्क्वायर, मतलब उसको तुमने एक्सपांड किया, a प्लस बी होल स्क्वायर, हाँ वो करना है, यस वो, और डिटेल में जितना जाना उतना जा सकते हैं, फिर तुम्हें इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, e raise to x into x plus e raise to x into 3x, फिर ये e raise to x minus 3 e raise to x, वो अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको a plus b to the whole square से एक्सपांड करो, वो सब करना है, लेकिन ये डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो तो सिंप्लीफिकेशन है ना, सिंपल मल्टीप्लाई करो एंड ऑल, लेकिन ये फॉर्मूला आना चाहिए कि u by v हो तो करना कैसे, v constant u का डिफरेंशिएशन माइनस u constant v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई v square, डन पक्का, तो हमने प्लस माइनस देख लिया, मल्टीप्लीकेशन देख लिया, डिविजन भी देख लिया, अब एक बाकी है वो है चेन रूल, वही है, यस कौन सा है चेन रूल, ये चेन रूल क्या है, चेन रूल ऐसा है बताता हूं, जैसे कि y इज इक्वल्स टू साइन x का स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन x का स्क्वायर, अब तुम क्या बोलोगे सर y इज इक्वल टू साइन x का तो पता है हमें cos x होता है, y इज इक्वल टू साइन x हो तो तुम्हें पता है कि सर साइन x का तो cos x होता है, लेकिन यहां पर साइन x नहीं है सर, x का स्क्वायर है, तो तुम मान लो कि x ही है, तुम क्या मानोगे x ही है, यहां पर x स्क्वायर नहीं है, क्या है x ही है, और उसका करो तो dy by dx क्या होगा, साइन x का क्या होता है cos x, तो cos x, लेकिन x की जगह है क्या ओरिजिनल x स्क्वायर, तो मैं x स्क्वायर लिख दूंगा, देन समझ में आया, साइन एक्स होता तो तुम कॉस एक्स करते, तो साइन एक्स का स्क्वायर है, तुम बोलते सर एक्स स्क्वायर का तो नहीं पता, लेकिन अगर साइन एक्स होता तो कॉस एक्स हो जाता, तो ठीक है कॉस एक्स कर दो, लेकिन जो ओरिजिनल एक्स है वो लिख दो, लेकिन ये तो एक्स स्क्वायर
x होता तो ना, ओरिजिनली तो x नहीं है, ओरिजिनली क्या है x square, तो जो ओरिजिनली है उसका भी करना है, ओरिजिनली क्या है x square, तो x square क्या क्या होगा, x square का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, डन, तो वो मल्टीप्लीकेशन में लिख देना है, दिस इज द आंसर। चेन रूल मतलब चेन बनानी है, पहले जो पता है उसका करो, फिर वो तो हमने एज्यूम किया था, लेकिन फिर जो ओरिजिनल है उसका फिर से मल्टीप्लाई करके करो, समझ में आया, क्या किया साइन एक्स का तो पता था, तो तुमने इसको ही मान लिया कि सर ये एक्स स्क्वायर एक्स ही है, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और एक्स की जगह जो एक्स स्क्वायर है वो, लेकिन एक्स होता तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का करो 2x, खत्म, इसको बोलते हैं चेन रूल, डन, पक्का। दूसरा देखते हैं एग्जांपल, चेन रूल मतलब क्या, दो बार करना पड़ेगा या तीन बार भी करना पड़ेगा, जैसे कि e रेस टू 2x, क्या e रेस टू 2x, अब तुम बोलोगे सर e रेस टू x का पता है, e रेस टू x का क्या था e रेस टू x, तो वैसे ही मान लो ना कि सर dy बाई dx, मान लो कि ये 2x है ही नहीं, ये क्या है x ही है, तो क्या करेंगे e रेस टू x का e रेस टू x होता है, तो e रेस टू x का e रेस टू x लिख लिया, लेकिन वो तो e रेस टू x था, यहाँ पे x नहीं है, एक्चुअली x की जगह क्या है 2x, तो 2x का फिर से करो, तो 2x का क्या होगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2, x का 1, 2 तो कांस्टेंट है, तो 2x का 2, बस चेन में लिखते जाओ, अगर मैं ऐसा बोल देता y इज इक्वल टू e रेस टू 2x प्लस x स्क्वायर, तो क्या होता, ये 2x प्लस x का स्क्वायर, क्या करेंगे y इज इक्वल dy बाई dx, क्या होता e रेस टू x का e रेस टू x, ये तो x होता तो, लेकिन x नहीं है, तो जो अभी जो x है उसका फिर से करो, तो 2x का क्या होगा 2 प्लस x स्क्वायर क्या क्या होगा 2x, खत्म। तो ब्रैकेट में ये e रेस टू x नहीं, e रेस टू x का e रेस टू x, लेकिन x की जगह जो ओरिजिनल x है वो ही लिखना है, e रेस टू x नहीं लिखना है, e रेस टू x वाला ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल नहीं लिखना है, ओरिजिनल के अकॉर्डिंगली करना है, लिखना वही है जो गिवन है, आया समझ में, इसे बोलते हैं चेन रूल। जैसे कि अच्छा चलो ऐसा कुछ गिवन है, एक एग्जांपल तुम करो, अगर वो ना हो तो मैं समझा देता हूँ, y इज इक्वल टू cos 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ऐसे गिवन है, y इज इक्वल टू cos 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो क्या होगा, किया कौन कौन से आया, cos x का क्या होता है, नहीं गलत है, cos x नहीं है, cos है cos, मैंने cos x का cos x cos x गलत लिखा हुआ है, तो क्या है sin x माइनस माइनस sin x है, हाँ cos x का डिफरेंस, y इज इक्वल टू cos x हो तो dy बाई dx क्या होगा माइनस sin x, बताया तो था फॉर्मूला, इसलिए तो बोला फॉर्मूला लिख के रखो, उसके बाद cos x होता तो sin x करते, लेकिन जो x समझा था एज्यूम किया था वो तो x है नहीं, वो तो इतना लंबा चौड़ा है, तो वो जो लंबा चौड़ा है उसका फिर से करो मल्टीप्लाई करके, देखो बताता हूँ dy by dx, अगर ये cos x होता तो तुम उसका कर देते माइनस sin x, तो लिख दो माइनस sin
और जो x है उसकी जगह x लिख दो, 2x² + x + 1 खत्म, cos x का हो गया माइनस sin x। लेकिन जिसको x माना था वो तो x है ही नहीं, इतना लंबा चौड़ा है, तो वो लंबे चौड़े को भी फिर से करो, 2x² का क्या होगा 4x, x का क्या होगा 1, 1 का क्या होगा 0, तो उसको नहीं लिखा। दिस इज द आंसर। मल्टीप्लाई कर, जिसको x माना था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वन का जीरो होगा ना, तो मैंने लिखा नहीं, वन का जीरो। देन जिसको x माना था वो एक्चुअली तो x है नहीं, तो उसका फिर से करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके चेन बनाकर चलो, तो इसलिए इसका नाम है चेन रूल। डन, आया समझ में? जैसे कि मैं फाइनल, हाँ, y इज इक्वल टू log x क्यूब प्लस 2। हाँ, नहीं तुम्हें देख के पता करना पड़ेगा, तुम्हें देख के पता करना पड़ेगा। जैसे ये गिवन है y इज इक्वल टू log x क्यूब प्लस 2, तो तुम बोलोगे सर ये x क्यूब प्लस 2 तो पता नहीं, लेकिन हमें पता है log x होता तो 1 बाय x हो जाता, तो वैसे ही होता तो वो कर लो, फिर जो x है उसका कर लो मल्टीप्लाई करके। हाँ, तो देखो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx log x का क्या होगा 1 बाई x, तो 1 बाई x, तो x की जगह जो हो वो लिख दो। अब जो एक्चुअल में x है उसका करो, तो x क्यूब क्या क्या होगा 3x² और 2 का क्या हो जाएगा 0, तो उसको हटाओ, 3x² डिवाइड बाई x क्यूब प्लस 2, दैट इज द आंसर। log x का क्या होता है 1 बाई x, तो 1 बाई x, x जो था वो यहाँ लिख दिया। आया समझ में? पक्का? कोई डाउट नहीं? तो ये सारे रूल थे हमारे, कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, तो ये सारे हमारे रूल थे। ओके, सिर्फ एक टॉपिक बाकी बच रहा है तो फटाफट बता देता हूँ, तो हमारा डिफरेंशिएशन पूरा 11 12th का यहाँ पर खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब कि हम एप्लीकेशन उसकी क्या है वो देखेंगे। तो सपोज हमारा कोई y इज इक्वल टू गिवन है x² - x + 1, ये कोई फंक्शन गिवन, मैं बोलूं dy by dx निकालो, तो तुम निकाल दोगे dy by dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा x² का 2x, x का क्या हो जाएगा 1, 1 का तो 0, खत्म, dy by dx आ गया। समझ में आया? तो अब वो बोल रहे हैं कि x की कौन सी वैल्यू के लिए तुम्हारा स्लोप 0 हो जाए, x की कौन सी वैल्यू के लिए तुम्हारा स्लोप 0 हो जाएगा। स्लोप मतलब क्या, dy by dx, तो स्लोप 0 हो जाए मतलब क्या, dy by dx 0 हो जाए। x की कौन सी वैल्यू के लिए तुम्हारा स्लोप क्या हो जाए 0। जैसे कि मेरी x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है तो मेरा ऐसे स्लोप, भाई चलना है लाइफ टाइम पे, हाँ x की कोई भी वैल्यू है तो मुझे एक स्लोप मिल रहा है। लेकिन कोई ऐसा बोल रहा है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए मेरा स्लोप क्या हो जाए, ये 0 हो जाए, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाए, तभी तो स्लोप 0 हो जाएगा। तो x की कौन सी वैल्यू के लिए स्लोप 0 हो जाए, स्लोप 0 हो जाए मतलब क्या, dy by dx 0 हो जाए, क्योंकि स्लोप ही तो dy by dx है, तो जो dy by dx है उसको क्या मान लो 0। डन, इसको 0 मान लिया तो क्या होगा, 2x - 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2, दैट्स इट। तो x की 1/2 वैल्यू के लिए तुम्हारा स्लोप क्या हो जाएगा 0। जैसे कि ऐसा कोई एक ग्राफ है, और जैसे कि ऐसा दूसरा कोई एक ग्राफ है, तो x की कौन सी वैल्यू के लिए तुम्हारा स्लोप 0 हो जाए, स्लोप 0 मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, ये पॉइंट पर तुम्हारा स्लोप क्या हो जाएगा 0। वैसे ही ये ग्राफ पर, ये पॉइंट पर तुम्हारा ग्राफ क्या हो जाएगा 0। समझ में आया? तो ये पॉइंट पर, ये पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, ये है, ये पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, ये है, मतलब जो भी x की वैल्यू होगी उस पॉइंट पर तुम्हारा ग्राफ क्या हो जाएगा
जीरो मतलब तुम्हारा ग्राफ जीरो हो जाएगा, मतलब स्लोप जीरो हो जाएगा ग्राफ का, अंडरस्टूड? तो तुम्हें पूछे कि ग्राफ में एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए तुम्हारा स्लोप जीरो होगा, तो क्या करना है, डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो कर दो, क्योंकि डीवाई बाई डी एक्स ही तो स्लोप है, तो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जीरो डाल दिया तो आंसर आ गया। ओके, अब तुम्हें पता चलेगा, अब शायद इसके आगे भी एक क्वेश्चन आए कि सर ये तो मैक्सिमम वैल्यू है कुछ एक्स की और ये कुछ मिनिमम वैल्यू है एक्स की, तो दो कभी कभी दो वैल्यू, ये तो एक ही वैल्यू है, कभी कभी दो वैल्यू भी मिलेगी, जैसे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता था एक्स क्यूब माइनस से 2x प्लस व्हाटएवर 1, ओके, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था तो x की दो दो वैल्यू के लिए जीरो मिलता था, जैसे कि मैंने कोई लिखा है क्या एक्स क्यूब, ये लिखा हुआ है बट से x की कौन सी दो दो वैल्यू, मतलब यहाँ पर अगर निकाले तो क्या होगा, 1 1 1, तो 1 1 1 करे तो 1 + 1 2 हो जाता है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 1, ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो इसमें से एक्स स्क्वायर भाई कहाँ गया, तो एक्स कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स माइनस 1, तो क्या आया एक्स माइनस 1 और दूसरा भी क्या आया एक्स माइनस 1। लेकिन मान लो कि कोई हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें तुम्हारे दो रूट मिलेंगे, सपोज एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आया, तो एक्स की दो वैल्यू है 1 और एक्स की दूसरी वैल्यू है क्या 2, तो कौन सी वैल्यू के लिए पॉजिटिव और कौन सी वैल्यू के लिए नेगेटिव, मैक्सिमम और मिनिमम, ये मैक्सिमम है, ये क्या है मिनिमम, तो एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए पॉजिटिव स्लोप, एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए नेगेटिव स्लोप, मतलब नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी एक्स की, स्लोप तो तुम्हारा जीरो हो गया है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला याद रख लो, ये जो डीवाई बाई डी एक्स है उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करो, दूसरी बार, एक बार तो कर लिया, दूसरी बार करो, मतलब उसको दूसरी बार करेंगे तो क्या बोलेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करना है, किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, जो ऑलरेडी कर दिया है उसका, क्या था कर दिया था, dy by dx कर दिया था, उसका फिर से करोगे तो उसको कैसे लिखेंगे, d square y by dx square. अब ये d square y by dx square की वैल्यू तुम्हें पॉजिटिव मिले तो तुम्हारा मिनिमम वैल्यू होगी, ये मिनिमम वैल्यू होगी, और अगर नेगेटिव मिले तो तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, सिर्फ इतना याद रख लो, जब न्यूमेरिकल में आएगा तब बताऊंगा, क्या दूसरी बार जो डिफरेंशिएशन किया उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव मिले तो मिनिमम वैल्यू और नेगेटिव मिले तो मैक्सिमम वैल्यू, आया समझ में, ये दूसरी बार डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अरे जैसे पहली बार किया वैसे ही करते, पहली बार किया तो क्या आया dy by dx is equal to 2x minus 1, तो उसका दूसरी बार कर लो d square y upon dx square, अभी इसका फिर से करेंगे तो 2x का क्या हो जाएगा 2, 1 का क्या 0, तो d square y by dx square क्या आया 2, समझ में आया, दूसरी बार किया ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या आएगा मिनिमम, मतलब x की वैल्यू क्या है मिनिमम, समझ में आया, मतलब ग्राफ ऐसा है, ऐसा नहीं है क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ऐसा आएगा क्योंकि x की पॉजिटिव वैल्यू है तो मिनिमम, और अगर नेगेटिव आती यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाती क्या, सपोज ये माइनस है तो यहाँ माइनस 2 आ जाता, माइनस 2 आ जाता मतलब क्या कि तुम्हारी x d स्क्वायर y by d x स्क्वायर की वैल्यू क्या आई नेगेटिव, नेगेटिव आए तो मैक्सिमम वैल्यू, मतलब तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बनेगा, जब मैक्सिमम और मिनिमम का केस हो तब, वो जब आएगा तब मैं बताऊंगा कि हमने डिफरेंशिएशन में डिस्कस किया था, ओके, मोस्टली अभी नहीं आएगा, 12th में आएगा, लेकिन मैं तब बताऊंगा, ओके, और भूल गए हो तो वो भी बताऊंगा कि वो वीडियो ढूंढो और देखो, अंडरस्टूड? क्या अभी एप्लीकेशन में हमने क्या देखा, कुछ भी नहीं, अगर हमें ऐसा पूछे एक्स की कौन सी वैल्यू पे तुम्हारा स्लोप जीरो होगा, ऐसा पूछे, तो स्लोप जीरो मतलब क्या, डीवाई बाई डी एक्स जीरो, तो जो हमने डीवाई बाई डी एक्स ढूंढा है उसको इक्वल टू जीरो कर दो तो तुम्हें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो भाई डीवाई बाई डी एक्स जो ढूंढा है उसको जीरो कर दिया तो एक्स की वैल्यू मिल गई 1/2, एक्स की 1/2 वैल्यू पे तुम्हारा स्लोप जीरो हो जाएगा, बात खत्म, बात वहां पर खत्म। अच्छा दो वैल्यू मिले तो ये तो एक ही वैल्यू है, खत्म, लेकिन दो वैल्यू मिली 1/2
एंड माइनस वन बाई टू, ऐसे दो दो वैल्यू मिली, जैसे कि यहां मिली ना वन और टू, दो दो वैल्यू मिली, समझ में आ रहा है? तो अब यहां मैक्सिमम या यहां मिनिमम, यहां मैक्सिमम यहां मिनिमम, उसके लिए क्या करना होगा, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करो। दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया, उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो मिनिमम, और उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो मैक्सिमम। डन, पक्का। सो इसी के साथ हमारा डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट होता है। अंडरस्टूड? आया समझ? पहले हमने कंसेप्ट समझा, फिर सारे फॉर्मूलाज देखे, फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट एल्जेब्रा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चेन रूल देखा, और लास्ट में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब आएगा तब की बात है कि भाई एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए स्लोप जीरो हो जाएगा, तो स्लोप जीरो हो जाए मतलब डीवाई बाई डी एक्स जीरो हो जाए, तो डीवाई बाई डी एक्स जो ढूंढा है उसको इक्वल टू जीरो कर लो, इक्वल टू जीरो करोगे तो तुम्हें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो पूछा था एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए स्लोप जीरो होगा, एक्स की ये वैल्यू के लिए स्लोप जीरो होगा। एक्स की अगर दो दो वैल्यू मिले तो आ जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम का केस, तो वो ढूंढने के लिए और एक बार डिफरेंशिएशन करो, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो मिनिमम वैल्यू, उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो मैक्सिमम वैल्यू, खत्म। आया समझ? तो ये पूरा 11 12th में जितना भी डिफरेंशिएशन फिजिक्स में आने वाला है वो मैंने तुम्हें आज बताया। अंडरस्टूड? पक्का? फॉर्मूला लर्न करोगे, आ जाएंगे तो इजी लगेगा, कुछ है नहीं ज्यादा कुछ, करते ही जाना है धीरे 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 धीरे, तो 10th के मैथ्स जैसा भी नहीं है, इजी है, लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा तो, फॉर्मूला तो याद रखने पड़ेंगे, और फॉर्मूला याद रख गए फिर रूल में तो क्या है, प्लस और माइनस में तो कुछ है ही नहीं, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस रखो, माइनस है वहाँ माइनस रखो, करते जाओ बस। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, एक कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले वाले का डिफरेंशिएशन, और यूवी में क्या है, वी को कांस्टेंट रखो, यू का डिफरेंशिएशन करो, बीच में माइनस, फिर जिसको कांस्टेंट रखा था उसका करो, और जिसका नहीं किया था उसका कांस्टेंट रखो, मतलब जिसका किया था उसको कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर। और फिर चेन रूल, चेन रूल मतलब अगर सर कॉस एक्स होता तो पता था साइन एक्स, लेकिन यहाँ तो कॉस एक्स स्क्वायर है, कोई बात नहीं, मान लो कि कॉस एक्स ही है उसका कर लो तुम, और फिर जो तुमने माना था कि ये एक्स है वो एक्स का फिर से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में करके लिख दो, वो है चेन रूल। और लास्ट में एप्लीकेशन। पूरा समझ में आया अच्छे से? पक्का? तो इसके बेस पे अब जितना भी डिफरेंशिएशन हमारे फिजिक्स में आएगा वो अगर ये आता हो तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आएगी नहीं। अंडरस्टूड? डन, दैट्स इट। ओके।